हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो आज हम दो यूनिट यहां पर रिवाइज करने वाले हैं बेटा। एक यूनिट आपके सामने दिखाई दे रही बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और दूसरी यूनिट होगी बायोटेक। ओके, तो दो यूनिट आज हम करने वाले हैं यहां पर। और इस यूनिट की अगर हम बात करें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, करीब 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं बायोटेक से, तो करीब 13-14 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। 13 से 14 क्वेश्चन करीब यहाँ पर इन दोनों यूनिट से कवर होंगे। 5 चैप्टर टोटल हमें रिवाइज करने हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके बच्चों, तो चलिए जल्दी से सेशन को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आप सब बच्चे कैसे हो? और डर तो लग ही रहा होगा, और डर लगना जरूरी भी है, डर लगना जरूरी भी है, कोई बात नहीं, डर तो लगता ही है, लेकिन डर के आगे नीट है। डर को क्रॉस कर लो, बस नीट आपका ही। टाइम अब मान के चलो कि 5 चैप्टर हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 मिनट्स लगेंगे, 100 मिनट्स का टाइम लगेगा टोटल। अब बीच में अगर हम 10-15 मिनट का गैप लेंगे तो 2 घंटे लग जाएगा, है ना? हाँ, डर तो लग रहा है बेटा, डर तो लग ही रहा है, और इसीलिए इस समय 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियोस भी हम लगातार पब्लिश कर रहे हैं ताकि आप उनको रिवाइज कर लें, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी चल रहा है लगातार, आज भी हमने 2 टेस्ट कराए हैं, है ना, और 3-4 टेस्ट अभी रात में और मैं कराऊंगा, ठीक है, और कल दिन भर सेट चलेगा। और कल तो 5 घंटे की मैराथन होने वाली है ना, कल तो 5 घंटे की एक मैराथन क्लास होगी, पूरे 38 चैप्टर, टन 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 टारा, और हम पढ़ेंगे 7 से 12। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करें। बायो मतलब हम यहां पर बायो के रोल के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन वेलफेयर में। तो सबसे पहले यहां पर एक साइंटिस्ट है, एमएस स्वामीनाथन, इनके बारे में बात करेंगे। टाइम इज 522, ये टाइम है लखनऊ का, ये पिन कोड भी लगता है ना, 0522 स्टडी कोड होता है ना, स्टडी कोड होता है 0522। और यही से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन की बात करें, क्या पॉइंट इनके लिए आपको याद करना है? एमएस स्वामीनाथन की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, IRI में। वहां पर उन्होंने 60 ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस को डेवलप किया, और इसमें कुछ बासमती की वैरायटीज भी थी जिन्हें डेवलप किया गया था। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया और क्रॉप शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन ने कोलेबोरेशन किया नॉर्मन बोरलॉग के साथ में, और हरित क्रांति को, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में कल्मिनेट किया था। और इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग की मदद से मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ वीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इन्हें लैब टू लैंड प्रोग्राम का इनिशिएटर माना जाता है, फूड सिक्योरिटी का इनिशिएटर माना जाता है, और इनको पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया। पद्म भूषण आप जानते हैं हमारे देश में कौन से नंबर का अवार्ड है? हमारे देश में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है बेटा, दैट इज द भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड होता है, भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण और फिर होता है पद्म भूषण। हाँ, कल सुबह 7 से 12 क्लास होगी बेटा। चलो तो इस यूनिट का पहला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्या याद करना है यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की अगर हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन,
विलियम हार्वे के द्वारा की गई, और इन्होंने थर्मोमीटर के यूज के द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया और डिसप्रूव किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ को। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिसप्रूव किया था, तो आप यहां पर बताएंगे किसके बारे में, विलियम हार्वे के बारे में। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल। हेल्थ का मतलब क्या है बेटा? हेल्थ का मतलब यानी कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, फिजिकल फिटनेस है। हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेल बीइंग। हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा। अब डिजीज क्या होती है? डिजीज का मतलब होता है जब बॉडी का एक कोई ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन या बॉडी का कोई सिस्टम एडवर्सली अफेक्ट हो जाए और उसके साइन और सिम्टम हमें नजर आए, तो इसी को डिजीज कहा जाता है। डिजीज दो तरीके, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा कॉमन होती है, जैसे एड्स की बात करें तो एड्स एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज जो फेटल है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, जैसे कैंसर हो गया, ड्रग और एल्कोहल एब्यूज हो गया, ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल हैं। ड्रग एब्यूज, एल्कोहल एब्यूज, ये भी सब डिजीज ही है बेटा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉमन डिजीजेस के बारे में बेटा। तो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें पैथोजन का नाम दिया जाता है। ज्यादातर मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजन, ज्यादातर पैरासाइट, एनसीईआरटी में पहले लाइन ऑल लिखा था यहाँ पर इस जगह पर, अब इसको मोस्ट कर दिया गया। ज्यादातर पैरासाइट पैथोजन होते हैं और ये होस्ट की बॉडी के ऊपर या उनके अंदर ग्रो करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए सबसे पहले हम टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। ये पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा, और यहाँ से ब्लड के द्वारा माइग्रेट करके बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक जाता है। सिम्टम क्या है? सस्टेन हाई फीवर 39-40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ हो सकती है सीवियर केसेस में। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए विडॉल टेस्ट यूज करते हैं, और यहाँ पर टाइफाइड मैरी जो कि टाइफाइड कैरियर थी, इनके बारे में भी आपको बताया गया। टाइफाइड कैसी वाज ए टाइफाइड कैरियर। दूसरी बीमारी की बात करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होने वाली बीमारी है, और ये इन्फेक्ट करता है लंग एल्वियोलाई को। इस बीमारी में क्या होता है? सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। सिम्टम में क्या था? फीवर, चिल, कफ और हेडेक होता है। सीवियर केसेस में फिंगर नेल और लिप्स जो होते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं। ये बीमारी फैलती कैसे? ड्रॉपलेट या एरोसॉल के द्वारा बीमारी का ट्रांसमिशन होता है। डिसेंट्री प्लेग डिप्थीरिया भी बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ह्यूमन में होती है। और ड्रॉपलेट या एरोसॉल की अगर हम बात करते हैं तो इनकी शेयरिंग से भी, ड्रॉपलेट और एरोसॉल की ग्लासेस और यूटेंसिल की शेयरिंग से भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी पहुंच जाती है। कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करें तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये राइनो वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। इसमें नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होते हैं लेकिन लंग में इन्फेक्शन नहीं जाता है। सिम्टम की बात करें तो नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, सोर थ्रॉट, पर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये कॉमन सिम्टम जो 3-7 दिन में अपने आप खत्म होते हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इसमें भी होता है, और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे पेन, बुक, कप, डोरनोब, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस से भी बीमारी फैलती है। अब बात करते हैं मलेरिया के से होने वाली बीमारी है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई सारी जातियां जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अलग अलग तरह की मलेरिया कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेग्नेंट मलेरिया कॉज करता है जो कि जानलेवा हो सकता है अगर इलाज ना किया जाए। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात करें तो स्पोरोजॉइड के फॉर्म में ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करता है, और ये स्पोरोजॉइड जो होता है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से ह्यूमन की बॉडी के अंदर आता है। ये जो पैरासाइट होते हैं ये पहले लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर
आरबीसी पर अटैक करते हैं और आरबीसी में रप्चर कॉज कराते हैं। आरबीसी के रप्चर होने की वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजन रिलीज होता है, जिसकी वजह से चिल और हाई फीवर आता है और यही इस डिजीज का सिम्टम है। और ये 3 से 4 दिन के बाद बुखार और ठंडक रिपीट होती है। जब कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो ये पैरासाइट मॉस्कीटो की बॉडी के अंदर जाते हैं और उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये पैरासाइट स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन करते हैं और उनके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। और जब ये मॉस्कीटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो स्पोरोजॉइट ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर यही साइकिल लगातार चलती रहती है। जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इसके लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन और मॉस्कीटो। और जो मॉस्कीटो फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो, ये सेकेंडरी होस्ट भी है और वेक्टर यानी इस बीमारी को ट्रांसमिट करने का भी काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको लाइफ साइकिल दिखाएगी। और यहाँ पर एक बहुत खास बात है, अगर आप सेक्सुअल स्टेजेस की बात करें, सेक्सुअल स्टेज इन्हें गैमेटोसाइट कहते हैं, इनका डेवलपमेंट, ये डेवलप होते हैं आरबीसी में, लेकिन जो फीमेल मॉस्कीटो है गैमेटोसाइट को ब्लड मिल के द्वारा इंटेक करती है। और ये देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्कीटो गट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 बारी पॉइंट एनसीईआरटी ने चेंज किया है। पहले एनसीईआरटी ने लिखा था इंटेस्टाइन, फिर इसको स्टमक की ओर अब गट कर दिया है। तो ये बहुत खास बात, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट मॉस्कीटो यानी सेकेंडरी होस्ट के गट में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी है तो उसमें कुछ और दिया हो सकता है। अमीबियसिस या अमीबिक डिसेंट्री की अगर हम बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है ये। सिम्टम में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करते हैं। कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ये बीमारी फैलती है ना, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा। एस्केरियसिस की अगर हम बात करें तो एस्केरिस के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो कि एक हेलमिंथ है, एस्केलमिंथ का मेंबर है और ये भी इंटेस्टाइन में रहता है। आप कोई बता सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में एस्केरिस, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज में? सिम्टम की बात करें तो बहुत खास है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये भी बीमारी फैलती है, अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसको। अब बात करते हैं एलिफेंटियसिस या फाइलेरियसिस के बारे में। ये बीमारी उचरेरिया बैंक्रॉप्टाई और उचरेरिया मेलाई से होती है, जिन्हें फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। ये स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, खासतौर से लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम में ये बीमारी होती है और जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाते हैं। मैंने कुछ पूछा था, हाँ, एस्केरिस स्मॉल इंटेस्टाइन, एकदम सही आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये बीमारी फीमेल मॉस्कीटो वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो से होती है। रिंग वर्म, जिसे आप कहते हैं दांत खाद खुजली, है ना, दांत खाद खुजली जो बीमारी है, ये माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन जैसे फंगस के द्वारा होती है। सिम्टम क्या होते हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे स्किन, नेल एंड स्कॉल्प, ये मेन सिम्टम होते हैं। और इन लेजन में बहुत ज्यादा खुजली होती, तभी तो कहते हैं दांत खाद खुजली। तो अब ये बीमारी फंजाई से होती है। अब रिंगवर्म जो होते हैं बेटा, जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल या फिर यूजिंग टॉवेल क्लॉथ और इवन कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ये आपको यहाँ पर एक फिगर भी दिखाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी भी बीमारियां आपने पढ़ी, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज हैं, तो इनके लिए सबसे जरूरी क्या, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, अपनी साफ सफाई और अपने पड़ोस की साफ सफाई, पड़ोसी की सफाई नहीं करनी, पड़ोस की साफ सफाई करनी है ना। तो पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और जहां पर बीमारी कंटामिनेटेड वाटर और फूटर से होती है, जैसे टाइफाइड, अमीबियसिस और एस्केरिसिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रांसमिटेड होती हैं कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। ध्यान रखिएगा, कंटामिनेटेड फूड वाटर से टाइफाइड, अमीबियसिस, एस्केरिसिस, एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न को ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी कहते हैं, निमोनिया और कॉमन कोल्ड में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तो उनमें
ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, और एडीज मॉस्किटो डेंगू और चिकनगुनिया को ट्रांसमिट करने का काम करता है। एडीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करता है, और जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है फाइलेरियसिस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली चारों बीमारियां, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए गंबुशिया की अगर हम बात करें तो गंबुशिया को मॉस्किटो फिश कहा जाता है, क्योंकि ये मॉस्किटो के लार्वा को फीड करते और इस तरीके से ये इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद करना है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा हमने कुछ डेडली डिजीज को कंट्रोल कर लिया, जैसे स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज को हमने काफी हद तक इसको हमने खत्म कर दिया, कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है, और पोलियो, डिफ्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस इनको हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है वैक्सीन के द्वारा। लेकिन यहाँ पोलियो के लिखा इसको हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसको हमने इंडिया से पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी की वो क्षमता जिससे हम बीमारियों से अपना बचाव करते हैं, जो हमें इम्यून सिस्टम से मिली है क्षमता, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। दो तरह की होती है, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है और ये बर्थ से, जन्म से पाई जाती है, ये बैरियर बना के काम करती है। चार तरह के बैरियर इननेट इम्यूनिटी में पाए जाते हैं, पहला फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, ये चार तरह के बैरियर होते हैं। फिजिकल बैरियर में स्किन आ जाएगी और म्यूकस कोटिंग आ जाएगी। म्यूकस कोटिंग कहाँ पर? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टियर फ्रॉम आईज, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेलुलर बैरियर में WBC हो जाएंगी, जैसे PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट और नेचुरल किलर जो कि लिम्फोसाइट की एक टाइप है, और WBC के अलावा मैक्रोफेज जो टिश्यू में पाई जाती है ये भी सेलुलर बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन आ जाएगा जो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है और इसमें मेमोरी पाई जाती है, बहुत खास है, इसमें मेमोरी होती है। पहली बार पैथोजन अटैक करता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है जो लो इंटेंसिटी का होता है, लेकिन जो सेकेंडरी या एनामिस्टिक रिस्पॉन्स होता है दैट इज हाईली इंटेंसिफाइड, ये बहुत ही तेज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेमोरी होती है इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये किसकी मदद से होते हैं? लिम्फोसाइट की मदद से होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है ये प्रोटीन की एक आर्मी बनाती है जिन्हें हम एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। टी सेल एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, लेकिन ये बी सेल की मदद करती है एंटीबॉडीज को बनाने में। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में चार पेप्टाइड चेन होती है, दो स्मॉल चेन जिन्हें लाइट चेन कहते हैं और दो लॉन्गर चेन जिन्हें हैवी चेन कहते हैं, इसीलिए एंटीबॉडी को H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वैसे तो पांच होती है, NCERT में चार दी गई, गेम से आप याद कर सकते हैं GAME है ना, चार ही हो जाएंगी। और ये जो एंटीबॉडीज होती है बेटा ये ब्लड में पाई जाती है, इसलिए इनसे आने वाले रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या CMI कहा जाता है, और टी लिम्फोसाइट CMI को मीडिएट करती है। और इसका रोल कहाँ पर है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो रिजेक्शन है वो कौन करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है। और ये लगभग हर साल किडनी ट्रांसप्लांटेशन उसके बारे में लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा था। अब आते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव और पैसिव में बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन अगर होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तो इसे एक्टिव इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और इसको टाइम लगता है अपना रिस्पॉन्स दिखाने में। अगर हम जानबूझकर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर माइक्रोब इंट्रोड्यूस करते हैं या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आते हैं तो इससे एक्टिव इम्यूनिटी आती है, लेकिन अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली पर्सन के अंदर डालते हैं तो इससे पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसे येलोइश फ्लूइड की अगर हम बात करें जिसे कोलोस्टम कहते हैं, जो मदर सिक्रेट करती है लैक्टेशन के शुरुआती दिनों में, इसमें अबंडेंट IgA होती है जो बच्चे को बचाती है बीमारियों से, ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। फीटस कुछ एंटीबॉडीज को मदर से रिसीव करती है प्लेसेंटा के द्वारा
प्रेगनेंसी के दौरान ये भी पैसिव्यूनिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि फीटस प्लेसेंटल के प्लेसेंटल बैरियर को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है? प्लेसेंटल बैरियर को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है? अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बेस्ड होता है प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये मेमोरी पर बेस्ड होता है। क्लियर बेटा? अब देखिए, मेमोरी सेल प्रोड्यूस करता है बी और टी सेल जो होती है, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन भी करती हैं। और अगर अगर किसी पर्सन को कोई डेडली माइक्रोब का इन्फेक्शन होता तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी जैसे किटनेस के केस में, तब हम उसको डायरेक्टली प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी देते हैं। आईजीजी क्रॉस कर सकता है, आईजीजी केवल प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन देते हैं। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? एक ऐसा ये सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। और स्नेक बाइट के केस में भी, स्नेक बाइट के केस में पेशेंट को प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं स्नेक वेनम के अगेंस्ट। और ये दोनों ही केस पैसिव्यूनाइजेशन के एग्जांपल। टिटनेस में जो एंटी टिटनेस सीरम दिया था एंटीटॉक्सिन, और स्नेक वेनम के अगेंस्ट जो एंटी वेनिन दिया था, जो दोनों ही पैसिव्यूनाइजेशन के एग्जांपल हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ईस्ट के अंदर डेवलप किया गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, याद रखिएगा। एलर्जी की अगर हम बात करते हैं, एलर्जी क्या होता है? एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं, और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं उन्हें आईजीई कहा जाता है। यहाँ पर कॉमन एलर्जन कौन से हैं? माइट इन डस्ट, पॉलन एंड एनिमल डेंडर। सिम्टम क्या है एलर्जी के? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। एलर्जी क्यों होती है? क्यों कुछ केमिकल हिस्टामिन और सीरोटोन रिलीज होते हैं मास सेल से। और अगर हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड, ये एलर्जी के सिम्टम को क्विकली रिड्यूस करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये केवल हायर वर्टिब्रेट में इवॉल्व हुई है। और अगर हम ऑटो इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल दिस डैमेज टू द बॉडी एंड कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज। दूसरा नाम आप बता दो मुझे, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हम अगर बॉडी के इम्यून सिस्टम की बात करें तो चार पार्ट होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड सेल एंड एंटीबॉडी। इन चार पार्ट से मिलकर बना होता है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मदद करते हैं। ओके, मायस्थीनिया ग्रेविस, बिल्कुल एनसीईआरटी में मायस्थीनिया ग्रेविस भी दिया गया। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें, लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरीके होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस होते हैं, जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में चेंज होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पांच होते हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैसेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और अपेंडिक्स हो जाएगा। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो लिम्फोसाइट होती हैं ये इफेक्टर सेल में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब बोन मैरो सबसे मेल लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, जहां पर सभी ब्लड सेल यानी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि हार्ट के नजदीक होता है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के नीचे, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम होती है। थाइमस जन्म के समय काफी बड़ा होता है, लेकिन ये उम्र बढ़ने के साथ साथ रिड्यूस करता जाता है, इसीलिए ओल्ड पर्सन का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है, बोन मैरो का जो मैचुरेशन होता है बी लिम्फोसाइट के अंदर बोन मैरो का मैचुरेशन होता है। स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसके अंदर लिम्फोसाइट और फैगोसाइट पाई जाती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और स्प्लीन आरबीसी का रिजर्वायर भी और आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी, तो ये भी तो आप जानते हैं ना। चलिए अब देखिए,
अगर हम बात करते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू, नीट में लास्ट ईयर पूछा गया था, माल्ट कहते हैं ये 50% लिम्फाइट टिश्यू को बनाता है, और ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक की जो लाइनिंग होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एड्स की बात करते हैं, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स को सबसे पहली बार 1981 में रिपोर्ट किया गया, और पिछले 25 वर्षों में करीब 25 मिलियन 2.5 करोड़ लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं। एड्स होता है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से, जो कि रेट्रो वायरस है, इसमें RNA जीनोम होता है और एक एनवेलप पाया जाता है। HIV का ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंजेस जैसे ड्रग एब्यूजर में और इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चों में। तो किन पर्सन में हाई रिस्क है, जिन पर्सन में मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उनमें ड्रग एडिक्ट में ज्यादा संभावना है, जिन पर्सन को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, और जिनका जन्म HIV इन्फेक्टेड मदर से उन बच्चों में बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर हम इस बीमारी की बात करते हैं तो इस बीमारी में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कुछ महीने से लेकर कुछ वर्षों का हो सकता है, ज्यादातर 5 से 10 साल का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जब ये वायरस पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो ये मैक्रोफेज में एंटर करता है, और वहां पर RNA जीनोम को ये रेप्लिकेट करता है और वायरल DNA बनाता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ना। और फिर इसके बाद जो वायरल DNA होता है ये होस्ट सेल के DNA में एंटर कर जाता है और वहां पर नए वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है, इसलिए मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, HIV फैक्ट्री का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ मैक्रोफेज के साथ साथ HIV एंटर करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ये धीरे धीरे डिक्रीज करता था, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर बॉडी में घटता जाता है, और इसकी वजह से पर्सन में क्या सिम्टम आते हैं, सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ, फिर बार बार बुखार आता है, डायरिया हो जाता है और वेट लॉस, ये कॉमन सिम्टम होते हैं। अब यहाँ पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर घटने की वजह से पर्सन को वो बीमारियां भी होने लगती जिनसे वो नॉर्मली अपना बचाव कर लेता था, जैसे माइकोबैक्टीरियम वायरस, फंजाई और टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन भी यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एड्स के लिए, दैट इज द ELISA का यूज करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का, और एड्स के ट्रीटमेंट के लिए जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यूज किया था वो केवल पार्शियली इफेक्टिव होती है, ये केवल पर्सन की लाइफ को कुछ समय के लिए बढ़ा सकती है लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकती, जो कि निश्चित है। तो एड्स का प्रिवेंशन कैसे किया जाए, एड्स जिन तरीकों से फैलता उससे बस बचाव करना, तो इसमें दो चीजें याद करनी है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण मत मरो, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs ये लोगों को एजुकेट करते हैं एड्स से बचाने के लिए। अब बात करते हैं कैंसर के बारे में, कैंसर की बात करें तो हमारे देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल कैंसर से पीड़ित होते हैं, और इनमें से ज्यादातर की डेथ हो जाती है। अब अगर हम कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर सेल में, नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जो कैंसर सेल होते हैं उनमें प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती हैं और ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही बने रहते हैं और ये बॉडी के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते और कम नुकसान पहुंचाते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं बेटा, इनमें मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, जिन्हें नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल कहते हैं, ये सेल तेजी से ग्रो करते हैं और सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करते हैं। ये सेल एक्टिवली डिवाइड करती हैं और ये पड़ोसी नॉर्मल सेल को भूखों मार देती हैं। यहाँ से निकलने वाली नियोप्लास्टिक सेल ब्लड के द्वारा दूसरे ऑर्गन में जाती है और जहां पर जाके रुकती है वहां पर एक नया ट्यूमर बनाती है। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है, बेनाइन ट्यूमर में प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। कॉजेस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कॉजेस फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट कुछ भी हो सकते हैं। एजेंट को कार्सिनोजन कहा जाता है, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे और गामा रे, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। कई सारे वायरसेस होते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस को ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, जिनके पास वायरल ऑन्कोजीन होते हैं। नॉर्मल सेल में सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं, और अगर ये स्पेशल कंडीशन में एक्टिवेट हो जाए तो ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में चेंज कर देते हैं। कैंसर की डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अगर हम बात करते हैं कैंसर के डिटेक्शन के बारे में, तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है। बायोप्सी में हम क्या करते हैं,
सस्पेक्टेड टिश्यू का एक थिन सेक्शन कट करते हैं और फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में हम उसे एग्जामिन करते हैं स्टेन करने के बाद में। अगर ल्यूकीमिया की बात करें तो ल्यूकीमिया के केस में ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किया जाता है क्योंकि ल्यूकीमिया में WBC का नंबर बढ़ जाता है। अब इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए रेडियोग्राफी का यूज करते हैं, CT स्कैन का यूज करते हैं और MRI का यूज करते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन के लिए। अब इसमें जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है इसमें एक्सरे का यूज करते हैं, रेडियोग्राफी में भी एक्सरे का यूज करते हैं और कंप्यूटेड टोमोग्राफी में भी एक्सरे का यूज करते हैं। और CT की खास बात है कि 3D इमेज प्रोवाइड करता है, MRI स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है, और इसलिए एक्यूरेट होता है और सबसे सेफेस्ट टेक्निक भी है। MRI इज मोस्ट एक्यूरेट एंड द सेफेस्ट टेक्निक, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं यहां पर ये देखिए लिखा है टोबैको स्मोक लंग कैंसर कॉज करता है, ये आप याद करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा करते हैं। रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल के ऊपर रेडिएशन डालते हैं, कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपेटिक ड्रग का यूज करते हैं जो कैंसर सेल को किल करते हैं। लेकिन जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग होते हैं बेटा, इनके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हेयर लॉस एंड एनीमिया, जैसे युवराज सिंह में आपने देखा होगा, है ना। ज्यादातर कैंसर को सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। अब एक तरीका और इम्यूनोथेरेपी, ज्यादातर जो ट्यूमर होते हैं बेटा ये इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाने जाने से और मारे जाने से बच जाते हैं, इसलिए पेशेंट को कुछ सब्सटेंस देते हैं जिन्हें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, एक इंटरफेरॉन, एक अल्फा इंटरफेरॉन है। अल्फा इंटरफेरॉन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज की हम बात करते हैं तो ज्यादातर ड्रग जिनका एब्यूज किया जाता है वो ओपिओइड, कैनाबिनॉइड और कोकाइलक्लोइड है, और ज्यादातर ड्रग जिनका ह्यूमन एब्यूज करता है फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, कुछ फंजाई से भी मिलते हैं। ओपिओइड की बात करें तो ओपिओइड के रिसेप्टर जो होते हैं बेटा ये पाए जाते हैं हमारे CNS और GIT में। हेरोइन, जिसको कॉमनली स्मैक कहा जाता है, ब्राउन शुगर कहा जाता है, ये एक केमिकली डाइस्टाइल मॉर्फिन है जो कि व्हाइट, ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, बिटर होता है। इसे मॉर्फिन के स्टाइलेशन से ऑब्टेन किया जाता है और मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ये मॉर्फिन का फिगर है और ये पॉपी प्लांट आपको दिखाया गया है, तो पॉपी प्लांट पेपावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से मॉर्फिन बनाते हैं, मॉर्फिन के स्टाइलेशन से हेरोइन बनाते हैं। जनरली जो हेरोइन होता है इसको स्नर्टिंग या इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है और ये डिप्रेसेंट होता है और बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। कैनाबिनॉइड की अगर बात की जाए, कैनाबिनॉइड तो कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर ब्रेन में पाए जाते हैं। कैनाबिनॉइड कहां से मिलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सैटिवा, इनके फ्लावर टॉप, लीफ और रेजिन को अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाने से अलग अलग तरह के नशे मिलते हैं, जैसे मोहरी, छुआना, हसीस, चरस, गांजा, भांग, सब पढ़ लो यहीं पर। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल, चरस, भांग, गांजा, मारिजुआना, हसीस, ये सब कैनाबिनॉइड है बेटा, है ना। और ये अफेक्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिसेप्टर ब्रेन में, लेकिन अफेक्ट किसको करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को। ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है और ये कैनाबिस सैटिवा भांग की पत्ती दिखाई है। अब बात करते हैं कोकाइल क्लोराइड या कोकीन के बारे में। कोकाइल क्लोराइड या कोकीन को कोका प्लांट इरेथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन करते हैं जो कि नेटिव साउथ अमेरिका का। ये इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में। कोकीन को कॉमनली कोक या क्रैक कहते हैं, लेकिन ये कोक जो घर में पीते वो नहीं बेटा, वो मत समझ लेना, ठीक है। यूजली स्नर्टिंग के द्वारा यूज करते हैं और ये CNS को अफेक्ट करता है और ये सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी की फीलिंग प्रोड्यूस करता है। एक्सेसिव डोजेज जो होते हैं वो हैलुसिनेशन का काम करती हैं और हैलुसिनोसिनिक प्रॉपर्टी एट्रोपा, वेलोडन और धतूरा में भी पाई जाती है और इन दिनों कैनाबिनॉइड को स्पोर्ट पर्सन के द्वारा अब्यूज भी किया जाता है। अरे मैं फ्रूट खा रहा हूं बेटा। ये देखो धतूरा की आपको एक ब्रांच दिखाई गई है ना। धतूरा क्या होता है? धतूरा हेलुसिनेशन कॉज करता, मति भ्रम पैदा कर देता है।
कई सारे ड्रग बारबिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजिपिन हैं, जिनका यूज किया जाता है मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी जैसे डिप्रेशन और इंसोमनिया को दूर करने के लिए। लेकिन कुछ लोग इनका भी नशा कर लेते हैं, मतलब दवाई को नहीं छोड़ रहे हैं, इतने नालायक लोग हैं दुनिया में। मॉर्फिन एक सिडेटिव और पेनकिलर है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है उन पर्सन में जिनकी सर्जरी की जाती है, लेकिन कुछ लोग मॉर्फिन का भी नशा कर लेते हैं, मतलब कुछ तो छोड़ दो नालायकों। स्मोकिंग को 400 साल से लोग यूज कर रहे हैं, बताओ हद हो गई, हद हो गई। टोबैको में बहुत सारे केमिकल होते हैं, जैसे निकोटीन एक अल्कोलाइड होता है, इसके अंदर निकोटीन एड्रेनल ग्लैंड पर एक्ट करता है और एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को रिलीज कराता है ब्लड सर्कुलेशन में, और दोनों ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तभी तो लोग सिगरेट जब पीते तो उनको लगता है कि अरे वाह, लगता है एनर्जी आ गई, लगता है हार्ट बीट बढ़ गई है ना, स्टाइल में चौराहे पे पान की दुकान पे 5 रुपए की सिगरेट खरीद के उड़ा रहे होते हैं, उनको लगता है कि सब लोग इंप्रेस हो जाएंगे। सब इंप्रेस नहीं, देखो उसके बाद कितने कैंसर होंगे, कैंसर ऑफ लंग, इतने गिन नहीं पाओगे कैंसर, कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रॉट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, सिम्फाइजिमा, कोरोनरी और डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, कोई अंग छूटेगा नहीं जहां पर कैंसर ना हो। और ये देखो जब तंबाकू सुरती चबाते हैं ना, ये देखो इनमें कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, और स्मोकिंग की वजह से बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशेंसी भी हो जाती है। तो अच्छे काम देखो नहीं होते, लेकिन बुरे 400 साल से लोग यूज कर रहे हैं। एडोलसेंस की बात करते हैं, 12 से 18 साल का जो पीरियड होता है उसी को एडोलसेंस पीरियड कहा जाता है। एडोलसेंस को कहते हैं यौवन अवस्था है ना, 12 से 18 साल, और एक ब्रिज होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड को जोड़ने के लिए, है ना, एक किशोर अवस्था कहते हैं। एडोलसेंस को कहते हैं किशोर अवस्था, चाइल्डहुड मतलब बचपन और एडल्टहुड मतलब जवानी, तो बचपन और जवानी को जोड़ने वाला ब्रिज है। दिस एडोलसेंस इज द ब्रिज 12 से 18 साल का, है ना। चलो तो अब यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को लगता है कूल होता है ना, लगता है अरे सुट्टा मारते हैं बड़ा कूल लगता है, है? कूल नहीं बेटा, बाद में फूल बन जाओगे और लोग फूल फिर चढ़ा भी जाएंगे तुम्हारे ऊपर, है ना। तो चलो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ चलो यहाँ पे कोई खास बात है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। चलो यहाँ पर एक हाँ एडिक्शन, ये देखो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्पोरेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। याद है आलेज वेल, पर्सन सुट्टा पीता है और उसको लगता है कि अरे वाह सब कुछ सही हो गया, अबे नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया, आपको लगता है कि सुट्टा नहीं पियेंगे तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा, यही एडिक्शन होता है। अब डिपेंडेंस की बात करते हैं, डिपेंडेंस इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूज। विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम क्या, एंजाइटी, सेकनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग। फिर आप बात करते हैं इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। अगर किसी पर्सन ने ड्रग या अल्कोहल लेना शुरू किया तो तुरंत क्या इफेक्ट आएंगे, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म और वायलेंस। एक्सेसिव डोज में ड्रग लेने से कोमा और डेथ हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल हेमरेज की वजह से। अब जो पर्सन ड्रग इंट्रावेनसली यूज करते हैं, मतलब जो नशेड़ी होते हैं जो अपनी सीधे वेन में इंजेक्शन लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे नशेड़ी सीधे नेडल और सिरिंज का यूज करके वेन में इंजेक्शन लगा लेते हैं, इनको एड्स और हेपेटाइटिस बी होने की संभावना ज्यादा है। दोनों ही बीमारियां वायरस से होती हैं, दोनों ही बीमारियों का कोई इलाज नहीं है ना, आप जानते हैं दोनों बीमारियों का कोई इलाज नहीं, दोनों ही बीमारियां क्रॉनिक हैं, दोनों ही अल्टीमेटली जानलेवा है, दोनों ही सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा, ये सब कॉमन है दोनों वायरस से, दोनों क्रॉनिक, दोनों फेटल, दोनों सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, दोनों इन्फेक्टेड ब्लड से फैलने का काम करती हैं। और जो पर्सन अल्कोहल पीते हैं उनमें लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, और अल्कोहल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल पीती है तो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचता है ना। हाँ कबीर सिंह लेकिन कबीर सिंह तो आदमी है, उसके बच्चे को ऐसा नुकसान पहुंचेगा, हाँ, लेकिन उसको लीवर सिरोसिस जरूर हो जाएगी। चलो अब देखते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं ना, खिलाड़ियों का डोप टेस्ट कराया जाता है क्योंकि वो मिसयूज करते हैं नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड, डायुरेटिक और कुछ हार्मोन का अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और स्पोर्ट में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट फीमेल में
मैस्कुलिनाइजेशन मेल की तरह के फीचर, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस. मेल के केस में एक्ने, मुहासे हो जाएंगे, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल. एंड ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, टेस्टिस का साइज ही कम हो गया, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, प्री मैच्योर बाल्डनेस, जो छोटा होना चाहिए वो बड़ा हो रहा है, जो बड़ा होना चाहिए छोटा हो जा रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना. अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में बस आपको ये ध्यान रखना, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और इसको याद करने का तरीका होता है सेल्स. सेल्स से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं. ठीक है, तो 5:22 पे हमने शुरू किया था और 6 हमने कंप्लीट कर लिया इसको. मतलब हमें कितना टाइम लगा, 38 का टाइम लगा, लेकिन चैप्टर भी बड़ा था. और फास्ट करें, ठीक है. और स्पीड चाह रहे हो तुम लोग, अबे 38 मिनट में चैप्टर खत्म कर रहे हो, इतना भारी. हाँ, हाँ, कोविड पॉजिटिव है, ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इतनी स्पीड ठीक है वैसे, मुझे लगता है ना, तुम लोग लाइक करने की स्पीड से तो अच्छी है स्पीड, है ना. चलो, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तुम लोग चाहो तो मैं चैप्टर को 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, तुम लोग अगर चाहो तो, लेकिन तुम लोग समझ में आए, ऐसा ना हो कि बस खत्म खत्म हो गया, है ना. स्पीड ठीक है वैसे, है ना, स्पीड सही है. अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर सिलो सिलो पढ़ाओ, सिलो सर सिलो पढ़ाओ, है? अब इसमें ये बताओ कि मैं सिलू या पढ़ाऊं. कुछ लोग कह रहे हैं सिलो, कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ाओ, तो मैं सिलू या पढ़ाऊं बताओ. टाइम हो रहा है 6:01, चलो हम 6 ही मान लेते हैं, ठीक है. 6 हम शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में मेजर रोल किसका है. एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग मेजर रोल प्ले करते हैं, और पाइवोटल रोल अगर पूछा जाएगा तो क्या करोगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर टेक्निक. इतना ध्यान रखना अभी. अब एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री में आपको क्या ध्यान रखना है, एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक में बुफेलो, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, सीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा दैट आर यूजफुल फॉर द ह्यूमंस. अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिशरीज, फिशरीज मतलब मछली पालन, फिशरीज में रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्क, सेलफिश एंड क्रस्टेशियन, प्रॉन एंड क्रैब, है ना. अब दुनिया की 70% जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वर्म फॉर प्रोड्यूस की प्रोडक्टिविटी वो इंडिया और चाइना से केवल 25%, यानी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम यहाँ पर है. तो चलिए अब हम बात करते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में. डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. अब यहाँ पर मिल्क यील्ड, दूध का उत्पादन मुख्य रूप से डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ ब्रीड के ऊपर, ये खास बात है जो आपको ध्यान रखना होगा, है ना. अच्छा, अब और कोई खास बात हो तो मैं बता देता हूँ. ना ना, और कोई खास बात नहीं. पोल्ट्री फार्म में आ जाइए, मुर्गी पालन. पोल्ट्री की अगर हम बात करें तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम मुर्गियों को पालते हैं, लेकिन केवल मुर्गियों की नहीं, हम चिकन और डक को पालते हैं, लेकिन तुर्की और घीच को भी पालते हैं. कोई भी अगर मुर्गी खाने के लिए, अंडे के लिए पालोगे या मीट के लिए पालोगे तो उसे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कहेंगे. ऐसा मत सोचना कि एक तोते को पाल रखा पिंजड़े में तो इसको कहेंगे ये देखो मैंने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कर रखा. अबे ये पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट थोड़ी है, वो तोते को क्यों पाल रखा कि एक दिन इसकी गर्दन काट के और इसका लेग पीस खा जाओगे, इसलिए तो नहीं पाले उसको, ना ना ही उसके अंडे का इंतजार करो कि तोता है और ये अंडा देगा और अंडा खाओगे, है ना, अंडे का ऑमलेट बनाओगे. अब आते हैं एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है, एनिमल ब्रीडिंग का एम होता है इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी. मतलब क्वालिटी को बढ़ाना और क्वांटिटी को बढ़ाना, ये एनिमल ब्रीडिंग का एम होता है. क्लियर बच्चों,
चलो तो चलो इधर को इम्प्रूव कर दिया हमने, जर्सी बना दिया इधर हमने, और इधर लेग हॉर्न, ये दोनों फिगर एनसीआर, ठीक है, जर्सी और लेग हॉर्न, ठीक है। अब आइए आगे, ब्रीड क्या होता है? ब्रीड ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस फीचर्स साइज एंड कॉन्फिगरेशन। अब अगर ब्रीडिंग होती है एक ही ब्रीड के एनिमल में तो उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं, और अगर क्रॉस कराया जाता है डिफरेंट ब्रीड के बीच में तो आउट ब्रीडिंग कहते हैं। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, इन ब्रीडिंग में दो एनिमल के बीच क्रॉस कराते हैं, है ना, सेम ब्रीड में, अगर उनमें चार से छह जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर रहा हो। अब ब्रीडिंग के फायदे क्या, इन ब्रीडिंग के क्या क्या फायदे जरा समझिएगा। इन ब्रीडिंग के फायदे ये हैं कि अगर हम इन ब्रीडिंग करते हैं तो इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। अगर हम प्योर लाइन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए इनब्रीडिंग का यूज करते हैं। देखिए, इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व ए प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगस। इनब्रीडिंग एक्सपोज करता हार्मफुल रिसेसिव जीन को, जिन्हें हम सिलेक्शन के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं, और साथ ही ये सुपीरियर जीन को एक्युमुलेट करने में और लेस डिजायरेबल जीन को एलिमिनेट करने में मदद करती है। लेकिन अगर लगातार इन ब्रीडिंग करेंगे, खासतौर से क्लोज इन ब्रीडिंग, तो इससे फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और जब ये प्रॉब्लम बन जाए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, तब सेलेक्टेड एनिमल को मेटिंग कराई जाती है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल से सेम ब्रीड में, जिससे हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग, यानी आउट क्रॉसिंग के द्वारा हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं। आउट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो दैट इज ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल। अब ये जो अनरिलेटेड एनिमल में ब्रीडिंग होती है बेटा, ये सेम ब्रीड के इंडिविजुअल में भी हो सकती है, लेकिन उनमें चार से छह जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, तो इसे आउट क्रॉसिंग कहेंगे। बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, तो इसे क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। डिफरेंट स्पीसीज में होगा तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन कहेंगे। यानी आउट ब्रीडिंग तीन तरह का है, आउट ब्रीडिंग तीन तरह का है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। पहले आउट क्रॉसिंग की बात करते हैं। आउट क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेटिंग कराते हैं दो एनिमल के बीच में, दोनों सेम ब्रीड के होते हैं, लेकिन चार से छह जनरेशन तक इनका कोई भी रिश्ता नाता दूर दूर तक नहीं होता है। जो ऑर्गेनिज्म इनके क्रॉस से बनता है उसे आउट क्रॉस कहते हैं, और ये बेस्ट ब्रीदिंग मेथड है उन एनिमल के लिए जिनमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एवरेज से भी कम होती है, और जो ग्रोथ रेट बीफ कैटल का होता है वो कम होता है। सिंगल आउट क्रॉस के द्वारा हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। ये खूब पूछे जाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में आ जाए तो यहाँ पर सुपीरियर मेल जो एक ब्रीड का होता है और सुपीरियर फीमेल जो दूसरी ब्रीड का, उनका क्रॉस कराते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा हमने कई सारी नई ब्रीड डेवलप की, जैसे हिजारडेल एक नई ब्रीड है सीप की, जिसे पंजाब में बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम के क्रॉस से डेवलप किया गया। अब बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। इसमें मेल और फीमेल एनिमल दो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, लेकिन रिलेटेड स्पीसीज के होते हैं, उनका क्रॉस कराते हैं और इससे म्यूल का फॉर्मेशन हुआ, है ना। जैसे हमने डंकी और हॉर्स का क्रॉस कराया तो इससे म्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और आप जानते हैं कि म्यूल उसे कहते हैं जिसका बाप गधा होता है। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हम कराते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फायदा क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप पढ़ चुके हैं ह्यूमन में भी, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, हेल्प अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्मल मेटिंग। ये नॉर्मल मेटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज किया था। ये आपको खच्चर दिखाया गया है, आगे बढ़े चलो। अब हाइब्रिड के प्रोडक्शन को सक्सेस बनाने के लिए और भी तरीके यूज किया थे, जैसे मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मॉड टेक्निक। इसके लिए हर्ड इंप्रूवमेंट, ये लाइन ध्यान रखना, हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं बेटा। और लगातार आपका सेट भी हो रहा उसको भी देते रहिए, क्योंकि सेट में 90 से 100 क्वेश्चन रहते हैं बेटा, और 20 मिनट में आप इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो काउ होती है उसको FSH लाइक एक्टिविटी का हार्मोन देते हैं, जिससे फॉलिकुलर मैचुरेशन और सुपर ओवुलेशन होता है। सुपर ओवुलेशन मतलब एक एक की जगह पर 6 से 8 एग प्रोड्यूस होते हैं, और 6 से 8 एग को फिर हम फर्टिलाइज कराते हैं, और फर्टिलाइज एग को 8 से 32 सेल स्टेज पे नॉन सर्जिकली रिकवर करते हैं और सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं। इस टेक्निक का यूज कैटल, सीप, रैबिट, बुफेलो और मेयर्स के लिए, मेयर फीमेल हॉर्स को कहते हैं। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ फीमेल और हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल को हम इस टेक्निक के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग को एपिकल्चर कहा जाता है। एपिकल्चर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी।
हाइव का मतलब मधुमक्खी के छत्ते। ये एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, बहुत ही प्राचीन कुटीर उद्योग होता है। यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, हनी मिलता है जिसकी हाई न्यूट्रिटी वैल्यू होती है और इसका इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज करते हैं। हनी बी से हमें बीवैक्स भी मिलता है जिसका यूज किया जाता है कॉस्मेटिक, जो आप पुट्टी यूज करते हैं चेहरे पे लगाने के लिए उसमें और पॉलिसेज में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे कॉमन स्पीसीज एपिस इंडिका होती है, जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बी का जो ग्रुप होता है दैट इज नेम्ड एज स्वार्म, ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर बी पॉलिनेटर का काम करती है, सबसे चीप पॉलिनेटर होती हैं। सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल और पियर एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फिशरीज पे आ जाते हैं, फिशरीज इज कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल। अब यहाँ पर आपको याद करना है फ्रेश वाटर फिशेज, रोहू, कटला, कॉमन कार्प, आरसीसी कोड हो जाएगा, और मैरिन एडिबल फिश में आ जाएंगी हेल्सा, सर्डाइन, मैकरेल और पॉम्फ्रेट, जिसको आपने कई बार याद किया SHM पीरियोडिक कोड के द्वारा। ये मैरीन हो जाएंगी और RCC क्या हो जाएंगी, फ्रेश वाटर हो जाएंगी। क्लियर? हाँ, हनी बी का मेन प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो वैक्स होता है। आगे बढ़ते हैं फिशरीज में, और कोई खास बात है? एक्वा कल्चर, हाँ ये देख लो, एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर के द्वारा हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं एक्वेटिक प्लांट और एनिमल दोनों, और फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरह के। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश रिलेटेड है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश रिलेटेड है। अब प्लांट ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई खास बात हमें नहीं मिली। प्लांट ब्रीडिंग इज ए परपजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन, गिव बेटर यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट। यानी प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम ऐसे प्लांट की स्पीसीज को क्रिएट करते हैं या वेराइटी को क्रिएट करते हैं जिनसे हमें ज्यादा पैदावार मिले जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, है ना। और ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, रिकॉर्डेड एविडेंस जो प्लांट ब्रीडिंग के 9000 से 11000 साल पुराने, ये आप याद करेंगे, ठीक है। आज हमारी ज्यादातर जो फूड क्रॉप है वो डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज से ही ऑब्टेन की गई। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, क्लासिकल या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी क्रॉप के प्लांट की कौन सी वैरायटी को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्रॉप यील्ड को और उसकी क्वालिटी को, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, रेजिस्टेंस टू पैथोजन एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर नई जेनेटिक वैरायटी हम डेवलप करना चाहते हैं किसी क्रॉप की, तो क्या क्या स्टेप होते हैं। पांच स्टेप आते हैं। पहला होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में एक पॉइंट खास है, द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म कलेक्शन। दूसरा, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट। तीसरा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट। चौथा स्टेप, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। और पांचवा, टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। अब इसमें एक लाइन और मैं आपको टिक कराता हूं कि जेनेटिक, पहला स्टेप, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। रूट मतलब ये बेसिक है किसी भी प्रोग्राम का। और यहां पर अगर आप आ जाइए तो यहां पर टेस्टिंग रिलीज, पांचवें स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैरायटी हम डेवलप करते हैं उसको किसान के खेत में कम से कम 3 ग्रोविंग सीजन तक ग्रो कराया जाता है मार्केट में रिलीज करने से पहले, टेस्ट किया जाता है। क्लियर? इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी जानते हैं। एग्रीकल्चर हमारी GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 33% का रोल प्ले करता है और ये इम्प्लॉय करता है 62% पॉपुलेशन को।
62% लोगों को रोजगार देता है। मिड 1960s का जो समय होता है, इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय फसलों की पैदावार बहुत तेजी के साथ बढ़ी। जैसे वीट और राइस की बात करें तो 1960 से सन 2000 के बीच में गेहूं की पैदावार 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन, लगभग 7 गुना, और धान की पैदावार 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन, करीब 2.5 गुना तक इंक्रीज कर गई। क्यों? डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉर्फ वैरायटीज की वजह से। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर वेट एंड मेज इंप्रूवमेंट ICWMI मेक्सिको में सेमी डॉर्फ वीट को डेवलप किया गया। 1963 में कई सारी वैरायटीज डेवलप की गई, जैसे सोनालिका और कल्याण सोना, जो कि हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट थी, इन्हें इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। सेमी डॉर्फ राइस वैरायटीज को डेवलप किया गया IR8, सेमी डॉर्फ IR8 से डिराइव किया गया, जिसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में डेवलप किया गया, और ताइचुंग नेटिव 1 जिसे ताइवान में डेवलप किया गया। इनके डेरिवेटिव को 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया, और बाद में हाई यील्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटी जया और रत्ना को इंडिया में डेवलप किया गया। तो सोनालिका, कल्याण सोना वीट की वैरायटी, जया और रत्ना राइस की वैरायटी, जिन्हें इंडिया में बफरिंग हो रही। क्या चलो आगे बढ़ते हैं। सुगर केन, सैक्रम बर्बेरी को नॉर्थ इंडिया में ग्रो कराया जाता था, लेकिन इसमें सुगर का कंटेंट और पैदावार कम थी। ट्रॉपिकल केन जिसे साउथ इंडिया में ग्रो कराया जाता था, सैक्रम ऑफिसिनेरम, इसमें थिक स्टेम और ज्यादा सुगर कंटेंट था, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में सही तरीके से ग्रो नहीं करता था। तो इन दोनों का क्रॉस कराया गया, और क्रॉस कराने से एक ऐसी वैरायटी डेवलप की गई जिसमें दोनों का कैरेक्टर आ गया, हाई यील्ड थिक स्टेम, हाई सुगर, an ability to grow in sugarcane areas of North India। Millet की बात करें, millet में क्या था? Hybrid maize, ज्वार, बाजरा। maize, ज्वार, बाजरा, ये millet आते हैं, इसे मोटा अनाज कहा जाता है, और इनके लिए hybrid breeding बहुत खास, hybrid breeding के द्वारा develop किया गया, और ये high yielding varieties हैं जो resistance हैं water stress से। These are resistant to water stress। तो hybrid maize, ज्वार, बाजरा hybrid breeding से develop किए गए, और ये resistance हैं water stress से। चलिए अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस। फंगल, बैक्टीरियल, वायरल पैथोजन के द्वारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज्यादातर फसल का नुकसान होता है। करीब करीब 20-30% फसल खराब होती है, और कभी कभी पूरी फसल भी नष्ट हो जाती है। तो अब रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी हो सेल की जिसके द्वारा ये पैथोजन से अपना बचाव करता है, और इस रेजिस्टेंस को डिटरमाइन किया जाता है जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ होस्ट प्लांट के द्वारा। अब फंजाई से होने वाली कुछ बीमारियां जैसे रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फंजाई से होती, बैक्टीरिया से ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, वायरस से टोबैको मोजैक और टर्नी मोजैक डिजीज होती है। तो चलिए यहाँ पर ये कुछ आपको वेराइटी दी गई, और ये वेराइटी डेवलप कैसे हुई है? दीर वेराइटी आर डेवलप बाई द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, इन्हें कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बनाया गया है। तो यहाँ पर जैसे वीट की वैरायटी हिमगिरी बनाई गई कन्वेंशनल ब्रीडिंग से, जो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिलपन से रेजिस्टेंट है। ब्रेसिका, पूसा स्वर्णिम, जो कि व्हाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर, पूसा सुब्रांड, पूसा स्नोबॉल 1, जो कि ब्लैक रॉट एंड कल ब्लाइट ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट। काउपी, पूसा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट, कोको बीबी से याद करते हैं इसको, कोको बीबी से आप याद करते हो। और चिल्ली सदाबहार, चिली मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस और लीफ कल से रेजिस्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में। म्यूटेशन ब्रीडिंग का केस आपको याद करना है, तो म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए गामा रेडिएशन का यूज करते हैं, और म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा मूंग बीन को डेवलप किया गया है, और मूंग बीन रेजिस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, और इसमें म्यूटेशन के द्वारा इसको रेजिस्टेंट किया गया। इसी तरह से अगर हम एबेलमस्कस एस्कुलेंटस की बात करते हैं, एबेलमस्कस एस्कुलेंटस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस इन भिंडी, भिंडी में जो येलो मोजैक वायरस से रेजिस्टेंस डेवलप किया गया है, ये परभनी क्रांति, परभनी क्रांति की अगर हम बात करें तो ये एबेलमस्कस एस्कुलेंटस भिंडी की नई वैरायटी है,
जो येलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंट है, परभनी क्रांति रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड मूंग बीन इज रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड द पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, आगे बढ़े। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। चलिए देखिए जरा यहां पर कुछ रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट। ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से? हेयरी लीफ की वजह से इन वीट। वीट में सॉलिड स्टेम की वजह से स्टेम सॉफ्ट लाइस में एंटर नहीं कर पाते और स्मूथ लीव्ड और नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी में बॉलवर्म का अटैक नहीं होता। हाई स्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट की वजह से मेज स्टेम बोरर से रेजिस्टेंट हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग से कुछ वैरायटी डेवलप की गई जैसे ब्रेसिका सरसों की, पूसा गौरव वैरायटी एफिड से रेजिस्टेंट है, फ्लैट बीन की पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री जैसिड एफिड और फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट है, और ओखरा की पूसा सवानी और पूसा एफोर सूट एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट है। और ये टेबल इंपॉर्टेंट, दोनों ही टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा। और दोनों की खास बात क्या है, इनको भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन से डेवलप किया गया और इसे भी हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन के द्वारा डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में कि फूड क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया गया। चलिए देखिए जरा 840 मिलियन 84 करोड़ दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता। और आपके नखरे देखिए, दुनिया घर भर में घर घर में नखरे दिखाते हो कि ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा पेट भरने के लिए। तुम्हारा पेट भरा हुआ ठूस ठूस के चलो। और इससे भी ज्यादा 3 अरब, समझ रहे हो, दुनिया की आधी आबादी ऐसी है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन और विटामिन डिफिशियंसीज का शिकार, हिडन हंगर, मतलब उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए डाइट में वो नहीं मिल पा रहे, मतलब आयरन विटामिन ए आयोडीन जिंक ये सब चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनमें बीमारी का खतरा बढ़ता है, लाइफ स्पैन कम होती, मेंटल एबिलिटीज कम होती। तो फिर एक तरीका है बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन ऐसा तरीका जहां पर हम ऐसी क्रॉप डेवलप करते हैं जिनमें ज्यादा मात्रा में विटामिन मिनरल और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी की फैट। क्या क्या हम पढ़ाते हैं बायो फोर्टिफिकेशन है? प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट को अगर इंप्रूव करते हैं, फसल की अगर क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, दैट इज नेम्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। जैसे सन 2000 में एक मेज हाइब्रिड को डेवलप किया गया जिसमें पहले की तुलना में दुगनी अमीनो एसिड थी लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, और लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एसेंशियल है। वीट वैरायटी एटलस 66 को डेवलप किया गया जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है और ये डोनर की तरह काम करती नई वैरायटीज को डेवलप करने के लिए। हम आयरन फोर्टिफाइड राइस को डेवलप कर सकते हैं जिसमें पहले की तुलना में 5 गुना ज्यादा आयरन मौजूद हो। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IERI में कई सारी वेजिटेबल क्रॉप डेवलप की गई हैं जो विटामिन और मिनरल में रिच हैं, जैसे विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, स्पिनच और पंपकिन, विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, आयरन और कैल्शियम एनरिच्ड स्पिनच एंड बथुआ, एंड प्रोटीन एनरिच्ड बीन, ब्रॉड बीन, लबलब बीन, फ्रेंच बीन एंड गार्डन पीज। ब्रॉड बीन वही बिसिया फाबा, ये किसकी बीन थी? ब्रॉड बीन किसकी वाली थी? ये थी बिसिया फाबा यानी टेलर्स बीन, है ना। चलिए सिंगल सेल प्रोटीन की बात कर लीजिए बेटा। सिंगल सेल प्रोटीन में आपको बस एग्जाम्पल में पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ग्रेन डाइट से मीट डाइट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इससे भी खाने की कमी होती है, क्योंकि 3 से 10 किलोग्राम अनाज लगता है 1 किलोग्राम मीट को बनाने के लिए। 25% से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी है जो हंगर, भुखमरी और कुपोषण, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो सिंगल सेल प्रोटीन एक अल्टरनेट सोर्स हो सकती है, जैसे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स होता है बेटा, है ना। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस एक सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स होता है। मशरूम का एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, स्पाइरुलिना, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस एंड मशरूम। क्लियर बेटा? क्लियर, और कोई नाम तो नहीं है यहाँ पर फिलहाल, यही 3 नाम है। चलिए टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो 1950s के दौरान साइंटिस्ट ने पता लगाया कि पूरे प्लांट को रिजनरेट किया जा सकता है एक्सप्लांट के द्वारा। एक्सप्लांट क्या है? एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब, है ना।
अच्छा, अब ये जो कैपेसिटी होती है एक प्लांट सेल में पूरा प्लांट को बनाने की, उसे टोटिपोटेंसी का नाम दिया जाता है। टोटिपोटेंसी का नाम दिया जाता है। कार्बन का सोर्स सुक्रोज है, बहुत खास बात है। और हार्मोन भी देने पड़ते हैं ऑक्सीजन साइटोकाइन, क्योंकि ऑक्सीजन रूटिंग कराता है और साइटोकाइनिन सूट का फॉर्मेशन कराता है। अब टिश्यू के द्वारा हम काफी कम समय में बड़ी संख्या में प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, और कम समय में ज्यादा हजारों की संख्या में प्लांट को प्रोड्यूस करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन में जितने भी प्लांट बनते हैं सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल प्लांट की तरह, और इन्हें सोमा क्लोन कहा जाता है। और इस टेक्निक का यूज बनाना एप्पल टोमेटो यानी बैट के लिए किया गया, बैट के लिए इस टेक्निक का यूज किया गया है। दूसरा, अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से हम हेल्दी प्लांट की रिकवरी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम मेरिस्टम कल्चर का यूज करते हैं। मेरिस्टम कल्चर, मेरिस्टम कौन, एपिकल और एक्सिलरी दोनों मेरिस्टम का यूज कर सकते हैं और वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस टेक्निक का यूज बनाना सुगर केन पोटैटो यानी बीएसपी के लिए किया गया। बीएसपी में क्या करते हैं, मेरिस्टम कल्चर करते हैं, और बैट में बनाना एप्पल और टोमेटो में माइक्रो प्रोपिगेशन करते हैं, और बनाना के लिए दोनों तरीके यूज किए गए, माइक्रो प्रोपिगेशन और मेरिस्टम कल्चर दोनों का यूज किया गया। चलिए अब देखिएगा, अब यहां पर हम प्रोटोप्लास्ट की अगर बात करें, प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। दो अलग अलग वेराइटीज का या स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज करा के हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करते हैं, और ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमें मिलता है इसको फर्दर ग्रो करके हम नया प्लांट डेवलप करते हैं, और इस प्लांट को सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं, और इस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने पोटैटो और टोमेटो इन दोनों का एक दूसरे से इनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया और पोमेटो बना दिया हमने। इन दोनों को मिला के क्या बनाया, पोमेटो बनाया, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टोमेटो। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें वो सारी खूबियां नहीं आई जैसा कि हम चाहते थे, और इसलिए पोमेटो मार्केट में नहीं है, वरना ये पोमेटो मार्केट में आ जाता। तो ये चैप्टर भी खल्लास, कब शुरू किया था, 6:25 पे खल्लास, तो 25 मिनट का टाइम हमें लगा, है ना। चलिए अब आखिरी चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और लगभग हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है उस हम टच कर ले रहे हैं। कल का रिवीजन और मजेदार होगा, कल 5 घंटे में, कल ये चैप्टर 6 मिनट में खत्म होगा, 7 मिनट में, 6 से 7 मिनट बस। और ये चैप्टर तो नन्हा मुन्हा सा है, इसमें तो 10-15 मिनट लगना चाहिए, है ना, बहुत नन्हा मुन्हा सा चैप्टर है। तो नहीं, इसको पढ़ लेते हैं फिर ब्रेक देते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ब्रेक देते हैं बायोटेक के लिए। ओके, अभी तो 1 घंटे हुआ है पढ़ते हुए तुम लोग, हाँ। एक घंटे तो हुआ है पढ़ते हुए बेटा, 5:25 पे तो आपने शुरू किया था, 6:25 हो रहा हो, तुम लोगों को ब्रेक चाहिए, इतने नालायक हो। वीडियो अटक रहा तो अपना नेटवर्क सही करो ना बेटा, मेरा नेटवर्क तो जानते हो कितने एमबीपीएस का है, तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, तुम लोग तो एमबीपीएस में चलते हो ना, 50 एमबीपीएस की स्पीड आ रही। चलिए, टाइम इज 6:28, 6:28 हो रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छुटकू सा चैप्टर जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, क्लोरेला भी सिंगल सेल प्रोटीन, क्लोरेला स्पाइलिना सिंगल सेल प्रोटीन होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखते हैं जरा सा क्या खास बात है बेटा हमारे पास में, खास बात ये है कि चलो इस फिगर को देखो, फिगर में आपको खास बात ध्यान देनी, सी वाले फिगर में, सी वाले में भी क्या खास बात दिखाई, तेहरा रॉड शेप है। अच्छा, इसको ध्यान दो,
ये जो फिगर आपको दिखाया गया ये वाला, ठीक है, ये फिगर जानते हो किसका? एडिनो वायरस का। ये एडिनो वायरस का फिगर है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, पहली चीज। दूसरा, ये कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस है ना, और ये एक्चुअली जानते हैं कि टीएमवी है बेटा, ध्यान देना। ये जो फिगर दिखाया गया टोबैको मोजैक वायरस है, और टोबैको मोजैक वायरस रॉड शेप होता है। टोबैको मोजैक वायरस रॉड शेप, आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं रॉड शेप का, टोबैको मोजैक वायरस रॉड शेप, और ये है बैक्टीरियोफेज। और जो बैक्टीरियोफेज है कैसा है? टैडपोल शेप है। बैक्टीरियोफेज वायरस टैडपोल शेप होता है, और जो टीएमवी है ये रॉड शेप होता है, टैडपोल शेप। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी आपको दिखाई गई, और ये फंगल कॉलोनी दिखाई गई, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टॉपिक पे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, नन्हा मुन्ना सा, चलिए इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोब इन हाउस होल्ड, हमारे घर में माइक्रोब का क्या रोल होता है। तो माइक्रोब का रोल होता है दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना, है ना। और इसमें कौन रोल प्ले करता है? लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये मिल्क को कोएगुलेट करते हैं, और मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये हर साल पूछा आता है, ये विटामिन B12 की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। फिर आप आ जाइए डफ। डफ जिसका यूज किया जाता है इडली और डोसा बनाने के लिए, इसको बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाता है। डफ का जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है वो CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से होता है, ठीक है, CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से होता है। जो डफ हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, उसका फर्मेंटेशन बेकर ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी के द्वारा किया जाता है। अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो टॉटी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो सदर्न इंडिया में यूज किया जाता है, जिसके ऑप्टेन किया जाता है फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, है ना, ताड़ के पेड़ से। इसी तरह फिश, सोयाबीन और बम्बू सूट को फर्मेंट करने के बाद फूड के तौर पे यूज किया जाता है। चीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो चीज अलग अलग टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट में आती है, है ना, और इनकी जो खासियत होती है वो माइक्रोब की वजह से आती है। जैसे लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाई, एंड रॉक्योफर्ड चीज इज राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई। कौन सा फंजाई कोई बता सकता है? अब बात करते हैं माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन से माइक्रोब हो जाएंगे? पहले तो आप ये जानिए कि इसमें बेवरेजेज और एंटीबायोटिक हमें पढ़ना है। लार्ज स्केल पे जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें बड़े बड़े बर्तनों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें फर्मेंटर का नाम दिया जाता है। जैसे ये फर्मेंटर आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है। अब आते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में, जिनमें वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम, और इनमें भी ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी का यूज करते हैं, जो ब्रेड मेकिंग के लिए भी यूज करते हैं। और चूंकि ये ब्रेवरी इंडस्ट्री, शराब उद्योग में यूज किया था, इसलिए ब्रेवर्स यूज्ड भी कहते हैं, ना। तो चलिए, तो माल्टेड सीरियल, अनाज से वाइन बनाई जाती है, और फ्रूट जूसेस जो होते हैं बेटा इनसे, नहीं, माल्टेड सीरियल से बियर बनाई जाती है, और फ्रूट जूसेस से वाइन को प्रोड्यूस किया जाता है, और ये सब अल्कोहल ही होते हैं बेटा, ये सब अल्कोहल ही होते हैं, है ना। चलिए, तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन, अलग अलग तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जिनमें वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाती है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम को डिस्टिलेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक फर्मेंटेशन प्लांट आपको यहाँ पर दिखाया गया। प्लांट मतलब पौधा मत समझ लेना कि सर ये फर्मेंटेशन प्लांट कहाँ पर होता है, ठीक है। ये प्लांट बेटा, ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसी को हमें प्लांट कह रहे हैं, ठीक है, पौधा मत ढूंढने लगना, संयंत्र हिंदी में कहते हैं, ठीक है, किण्वन संयंत्र, फर्मेंटेशन प्लांट को हिंदी में कहते हैं किण्वन संयंत्र। अब किण्वन क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक। हाँ, रॉक्यूफर्ड चीज पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाती है, बिल्कुल। अच्छा, नहीं बेटा, मैं बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, भांग, तंबाकू, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता, कभी नहीं, ठीक है। चलो, एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब अगेंस्ट होता है, और बायो का मतलब होता है लाइफ, और एक साथ मिलके कहते हैं अगेंस्ट लाइफ, लेकिन किसके संदर्भ में?
डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिक के संदर्भ, लेकिन ह्यूमन के लिए दीज आर प्रो लाइफ नॉट अगेंस्ट। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल होते हैं जो कुछ माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं दूसरे माइक्रोब जो डिजीज कॉज करते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। तो सबसे पहले हम पेनिसिलिन की बात करते हैं। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज हुई थी और ये चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे और इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे इनके कल्चर थे अनुवाद जिनमें स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया और इन्होंने देखा कि कुछ केमिकल हैं जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया और ये केमिकल पेनिसिलिन था और इसे पेनिसिलियम नोटेटम प्रोड्यूस करता है। इसका फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक के तौर पे फ्लोरे और चेन के द्वारा बताया गया कि एंटीबायोटिक के तौर पे यूज की जाएगी। इस एंटीबायोटिक का यूज किया गया अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर जो युद्ध में घायल हो जाते थे उनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया गया। फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। पेनिसिलिन के बाद कई दूसरी एंटीबायोटिक के बारे में भी पता चला हमें और इसके बाद एंटीबायोटिक के द्वारा कई सारी ऐसी डेडली डिजीज हैं, जानलेवा प्लेग जैसे कोरोना फैला नहीं वैसे प्लेग फैला था एक समय में, ऊपिंग कफ, काली खांसी, कुक्कुर खांसी भी कहते हैं, डिप्थीरिया, गलाघोटो, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये बीमारियां जानलेवा थी जिसकी वजह से लाखों लोग हर साल दुनिया भर में मारे जाते थे, लेकिन हमने इन बीमारियों को कंट्रोल कर लिया एंटीबायोटिक के द्वारा। टुडे वी कांट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। आज हम इस दुनिया की कल्पना बिना एंटीबायोटिक के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो केमिकल एंजाइम एंड बायोटिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं और यहां से सवाल आता है तो ध्यान रखिएगा। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसटी जो कि एसिटिक एसिड यानी सिरका प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम ब्यूटायरिक एसिड को, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी कॉमर्शियल प्रोडक्शन इथेनॉल का करता है और इसके अलावा लाइपेजेस का यूज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में किया जाता है और ये ऑयली स्टेन को रिमूव करने में यूज करते हैं। फ्रूट जूसेस बॉटल जूसेस को क्लेरिफाई करने पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस नाम का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाई करके इसको क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज करते हैं। इनको ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं उन पर्सन में जिनमें MI हुआ है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और इसी से आगे चल के हार्ट अटैक हो जाता है। एक और बायोटिक मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए जिससे जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है उन पर्सन में दिया जाता है जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है और इसे फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम प्रोड्यूस करता है जो कि ड्यूटेरोमाइसिट का मेंबर। स्टेटिन ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरिस से प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और ये उस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है और उस एंजाइम का नाम है HMG CR। माइक्रोबिन सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ट्रीटमेंट दो स्टेज में होता है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं क्योंकि यहां पर हम केवल क्या करते हैं, पार्टिकल का रिमूवल करते हैं, है ना, पार्टिकल का रिमूवल करते हैं। और इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है और ये बहुत ही खास बात। फ्लॉक्स के बारे में जान लीजिए, मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक जाल की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे फ्लॉक्स कहते हैं। BOD क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम होती है अगर एक लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करे तो उसे BOD का नाम दिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको दिखाया गया है और जब फ्लॉक्स के द्वारा BOD को रिड्यूस कर दिया जाता है तो BOD को रिड्यूस करने के बाद एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है और सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स को सेडिमेंट करा दिया जिसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा वापस एरेशन टैंक में डालते हैं जबकि ज्यादातर मेजर पार्ट को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया जिन्हें मिथेनोजन कहा जाता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन्हें बायोगैस कहा जाता है और ये एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है। ये आपको सीवेज प्लांट दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या याद करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे बताओगे,
क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया, परसों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉर MoEF इन्होंने गंगा एक्शन प्लान गैप और YAP यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की इन नदियों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब के रोल की बात करते हैं। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज और इसमें मुख्य रूप से तो मीथेन ही होता है, 50-70% है ना। चलिए अब देखिए, टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ टफ, 1993, 1954, 1984, 1980, वाह कितने ऑप्शन आ गए, वाह वाह, परसों पढ़ा है तब ये हाल है। 1984, 1984, वो भी किसके प्रयासों की वजह से, रामदेव मिश्रा, पढ़ लिया करो कभी कभी तुम लोग है? डफ के फर्मेंटेशन में, चीज मेकिंग में और बेवरेजेस, एल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने में मेन गैस CO2 प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया एनारोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं CO2 और हाइड्रोजन के साथ, इन्हें मिथेनोजन कहते हैं, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम। ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में भी। ये बैक्टीरिया र्यूमेन में पाए जाते हैं, पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल, कैटल के र्यूमेन में सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होता है फूड में, और ये जो र्यूमेन में बैक्टीरिया होते हैं मेथानोजेनिक बैक्टीरिया सेलुलोज के ब्रेकडाउन में रोल प्ले करते हैं और इस तरीके से कैटल के न्यूट्रिशन में रोल प्ले करते हैं। और ये जो डंग होता है इनका, उसमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और डंग के द्वारा ये बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं जिसे कॉमनली गोबर गैस कहा जाता है। तो अब बायोगैस प्लांट यहाँ पर आपको दिखाया गया बेटा, है ना, ये देखिए बायोगैस प्लांट आपको दिखाया गया। बायोगैस प्लांट के बारे में एक बात याद रखनी है कि बायोगैस प्लांट का जो प्रोडक्शन फॉर्मेशन है इन इंडिया, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड बाय इन इंडिया बाय द एफर्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI न्यू दिल्ली एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इनको जनरली कहां बनाते हैं, रूरल एरियाज में बनाया जाता है जहां पर खूब सारा गोबर अवेलेबल होता है। तो चलिए, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायोकंट्रोल एजेंट की अगर हम बात करें तो 5 एग्जाम्पल आपके पास में है बायोकंट्रोल एजेंट में, एक एक करके इनको समझ लीजिए। जैसे लेडी बर्ड बीटल जो कि एफिड से छुटकारा दिलाती, तो लेडी बर्ड बीटल पहला बायोकंट्रोल एजेंट हो जाएगा। दूसरा ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई मॉस्कीटो से छुटकारा दिलाता है, तो ड्रैगन फ्लाई दूसरा बायोकंट्रोल एजेंट हो जाएगा। तीसरा बायोकंट्रोल एजेंट हो जाएगा बैक्टीरिया बैसिलस थोरिंजेंसिस जो छुटकारा दिलाता है, किससे, बटरफ्लाई कैटरपिलर से छुटकारा दिलाता है, इंसेक्ट से, है ना। और बैसिलस थोरिंजेंसिस की कहानी तो आप पूरी जानते हैं, बायोटेक में हम पढ़ भी लेंगे, है ना, इसी से BT जीन निकाल के BT कॉटन को बनाया गया है। चौथा एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, चौथा एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्री लिविंग फंजाई है जो कि वेरी कॉमन होता है रूट इकोसिस्टम में, और ये बायोकंट्रोल एजेंट होते हैं सेवरल प्लांट पैथोजन के लिए। और पांचवा एग्जाम्पल है बायोकंट्रोल एजेंट में बैकुलो वायरस जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट के ऊपर और दूसरे आर्थ्रोपोड के ऊपर। ज्यादातर जो बैकुलो वायरस होते हैं ये जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करते हैं, NPV शॉर्ट में कहते हैं। अब ये जो वायरस होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं और इंसेक्ट को मारने वाले होते हैं। इनका कोई भी निगेटिव इंपैक्ट प्लांट या मैमल, बर्ड, फिशेज या नॉन टारगेट इंसेक्ट पे नहीं होता है। इनका यूज खासतौर से तब करते हैं जब बेनिफिशियल इंसेक्ट को हमें बचाना होता है, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM में इनका यूज किया जाता है, या जब कभी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ट्रीट करते हैं तब बैकुलो वायरस का यूज करते हैं। लास्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ऐसा कोई माइक्रोब जो हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाते उसे बायो फर्टिलाइजर का नाम दिया जाएगा। तो बायो फर्टिलाइजर आर द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो बायो फर्टिलाइजर कौन, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। तो पहले बैक्टीरिया में जान लेते हैं, डाइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग है, और राइजोबियम कैसा है, सिम्बायोटिक होता है जो लेग्यूम प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है। फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई
सिम्बैटिक एसोसिएशन करते हैं प्लांट की रूट के साथ में माइकोराइजा के फॉर्म में। जैसे जीनस ग्लोमस की बात करें, माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो फंजाई होता है ये एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को सॉइल से और प्लांट को प्रोवाइड करता है। प्लांट बदले में जो फंजाई होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जिन प्लांट में फंगल एसोसिएशन होता है उनमें रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन भी डेवलप हो जाता है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे एनावेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया साथ ही ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ऐड करते हैं और इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया तीनों क्या हो गए, बायोफर्टिलाइजर्स। कितना टाइम लगा तब शुरू, किसी को याद है? जो टिक कर रहा हूं सब पढ़ के जाना नीट में, यही सब आएगा बच्चे। और कल सुबह वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, उसमें सब मैं वही टिक करवा दूंगा जो अगले दिन मिलेगा सब 6:28 पे। और 6:44 पे हमने खत्म किया है इसको, जोड़ लो कितना टाइम लगा, 16 मिनट। कैन यू इमेजिन कि 16 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा है, कल 6 मिनट में खत्म हो रही है, चैप्टर 2 मिनट में खत्म हो चाहिए। हाँ अच्छा, फहीम रजा कह रहे हैं सर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सब छोड़ रहे हैं, वाह वेरी गुड बच्चे। तो जो मैं छोड़ रहा हूं तुम पढ़ लो बेटा, है ना। अगर तुम्हें लगता कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ रहा हूं तो जो मैं छोड़ रहा हूं उसको छोड़ के बाकी तुम पढ़ लो, यानी मैं जो इंपॉर्टेंट नहीं वो टिक कर रहा हूं तुम उसको छोड़ के बाकी सब पढ़ लो। अभी पीडीएफ में दे दूंगा, तुम येलो वाला छोड़ के बाकी सब पढ़ लेना। ड्रेस कोड, अच्छा ड्रेस कोड पे तो बहुत वीडियो पड़ी हुई है, चलो ठीक मैं देखता हूं। कल का टाइम सुबह होगा 5 बजे, नहीं 5 बजे नहीं 7 बजे। तो नीट में मिलेंगे दोपहर में 5 बजे, फिर नीट का एग्जाम देखा ना, फिर मिलेंगे और मैं दिखाऊंगा क्या क्या मैंने टिक कराया था, एक एक पॉइंट दिखाऊंगा क्या क्या मैंने टिक करा था, क्या क्या पूछा गया। फोटो वही ले जानी है जो फॉर्म पे चिपकाए हो, वही वाली ले जाना, ठीक है। जींस ज्यादा स्टाइलिश मत पहन के जाना, ज्यादा वाले सैंडल पहन के मत जाना, जूते पहन के मत जाना, सिंपल चप्पल पहन के जाना जो घर में पहन के घूमते हो, और चप्पल लटका लेना ठीक है। हाफ शर्ट या टी शर्ट पहन के जाना ठीक, ज्यादा पॉकेट वॉकेट ना हो। झुमका, हार, अंगूठी, पर्स, बेल्ट ये कुछ नहीं लेके जाना है, कोई भी मेटल की चीज, अंगूठी, कड़ा, कंगन, नथुनी, मांग टीका, चूड़ी, गले का हार, कान की बाली, नाक में क्या पहनते हैं नथ, ये सब कुछ नहीं करना ठीक है। मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, कोई पर्ची, कुछ नहीं ले जाना है। हाई स्कूल इंटर वाला काम मत कर देना, पर्ची लेके चले जाना। पूरी नर्सिंग तक की डिग्री कैंसिल कर देगा, जितना तुम लोगों ने गालियां दी है ना एचआरडी मिनिस्टर को, पूरा कैंसिल कर देगा। क्रीम वही वाली लगाना जो फोटो खिंचाते समय लगाई थी, वरना वहां पहचान नहीं पाएगा तब भी रिजेक्ट कर देगा।
ठीक है। ज्वेलरी जो खरीद लिए हो किसी को साथ में लेके जाना, बाहर वहां पे उतार देना, एग्जाम के बाद फिर पहन लेना, ठीक है। पोस्टकार्ड फोटो तो इस बार नहीं, मुझे लगता है कि जो फॉर्म पे चिपकाई थी वही ले जाना है। मैं देख लेता हूँ, आज एक वीडियो बना भी दूंगा, ठीक है। मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं एक वीडियो बना दूंगा। वॉच भी नहीं? ना ना, वॉच वॉच कुछ नहीं, वॉच नहीं पहनना है। मुकुट? हाँ मुकुट जरूर पहन के जाना। देखो जो रिलीजियस हैं वो तो पहन सकते हैं, जैसे पगड़ी है पगड़ी पहन के जा सकते हैं, रिलीजियस ड्रेस है वो सब पहन के जा सकते हैं, ठीक है। ड्रेस कोड में बता दूंगा वैसे, ठीक है। हाँ आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड या पैन कार्ड या डीएल कुछ लेके जाना पड़ेगा एक चीज आपको। हाँ कोई खाना पीना, चॉकलेट और पॉपकॉर्न और आइसक्रीम और चिप्स ये सब कुछ नहीं ले जाना है, ठीक है। ग्लव्स जरूर लेके जाना, पहन के जाना, और मास्क तो पहन के जाओगे, उसमें तो बताने की जरूरत है नहीं। पेन के बारे में मैंने देखा नहीं है। टिफिन चश्मा, चश्मा ये वाला जो जैसे मैं पहनता हूँ ऐसे पहन के जा सकते हो, गॉगल्स नहीं लगा के जाना, उड़ाएगा बहुत तुमको, वहीं पर तुरंत बाहर कर देगा। फुल अगर शर्ट पहन के गए तो काट देगा आदि वहीं पे। आधार नहीं तो डीएल लेके जाओ, पासपोर्ट लेके जाओ, पैन कार्ड लेके जाओ, कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना पड़ेगा कम से कम। एटीएम कार्ड? ना ना ना, एटीएम कार्ड भी रखवा लेगा, कोई भी मेटल की चीज नहीं है। जींस ऐसी पहनी जाए जिसमें चेन ना हो, क्योंकि तो कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, लोअर पहन के चले जाओ ज्यादा सही है। पिकनिक मनाने थोड़ी जा रहे हो, पैसा लेके जाओगे, कॉपी किताब? कोई बता रहा कट्टा? ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी ले जा सकते हो, पानी वहां नहीं मिलेगा यहीं पर मिलेगा, और ले जाना पड़ेगा, और 50 ml हैंड सैनिटाइजर की एक बॉटल ले जानी, ठीक है। पेटीएम? अबे जब मोबाइल ही नहीं रहेगा तो पेटीएम का क्या करेगा? चलो हाँ, हिसाब लगा के जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आधे घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा जो आपका टाइम होगा। जो भी रिलीजियस चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, रिलीजियस चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपने फॉर्म भरते समय वो मार्क किया हो तब, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपने मार्क किया? नहीं बेटा, चाकू कट्टा कुछ नहीं ले जाना है, नलायक। बाल्टी में नहीं बेटा, ट्रांसपेरेंट बॉटल, मतलब उसके ऊपर कोई भी, ये नहीं कि बिस्लेरी की बॉटल लिए जा रहे हैं, है ना, ये नहीं करना है। बिस्लेरी हटा के फिर ले जाओ उसको, ये नहीं जग जग भर के लिए जा रहे। एनसीआरटी? एनसीआरटी ले जानी लेकिन दिमाग में, ठीक है। किताब ना ले जाना, बैंक अकाउंट क्या करेगा भाई उनकी तुम्हारा? पूरी वहां की कुर्ती नहीं पहन सकते बेटा, हाफ, वन आउट कट कर देगा वहां पे। नई खरीदी होगी तुमने, बेकार हो जाएगी। पेन के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं एक बार देख लूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। लंच? अबे सब उसी 3 घंटे में कर लोगे, लंच और ना। ईयरफोन? ना बेटा ना ना, ईयरफोन भी नहीं ले जाना है। कल कितने बजे क्लास है? अभी तो आज ही क्लास बाकी है बेटा, अभी अभी बायोटेक 1 यूनिट बाकी, 9 यूनिट पूरी हो चुकी है हमारी, 1 यूनिट बाकी है बायोटेक। हम लोग मिलते हैं
15 मिनट में, ठीक है। टाइम हो रहा है 6:53 और हम लोग मिलेंगे कितने बजे, 6:53 हो रहा है और हम लोग मिलेंगे कितने बजे, मिले 7:10 पे ना, या 7:15 पे मिले, ठीक है 7:15 पे हम मिलते हैं और आधे घंटे में खत्म करते हैं किसको, बायोटेक को। बायोटेक साफ करते हैं आपकी 10 यूनिट कंप्लीट और फिर कल यही 10 यूनिट हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलती है क्या 7 से 12 क्लास चलती है, ठीक है। सिंदूर लगा अबे शादी वादी कर लियो क्या तुम लोग, अभी तो तुम लोग बच्चे हो गए 16-17 साल के, ऐसे ही तुम लोग अंदर हो जाओगे वहां सिंदूर लगा के चले गए। हम म्यूजिक चला दे रहे हैं, ठीक है। कुछ कह रहे सर जी आपको ले जा सकते हैं। चलो फुल शर्ट फुल टी शर्ट नहीं करनी बेटा, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं कितने बजे, 7:15 पे हम लोग वापस मिलते हैं और बायोटेक को साफ करते हैं, है ना। तब तक तुम लोग म्यूजिक का आनंद लो, एक म्यूजिक में चला दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। और तुम लोग म्यूजिक का आनंद लेते हुए चाहो तो रिवाइज कर लो जो भी मैंने पढ़ाया है, या फिर चाहो तो चाय वाय पीनी हो चाय वाय पी लो, जिसको खाना पीना हो खाना पी ले खा ले, फिर आधे घंटे की और कहानी बची हुई। और या तो कहो तो 20 मिनट का टाइम है, मैं वो भी करा दूं, आपको सेट करवा दूं, इसी बीच एक सेट करवा दो तुम लोग, तब तक सेट तो क्या दिक्कत है, सेट जब खत्म हो जाता मैं भी आ जाता हूं, क्या चाहते हो, सेट करा दिया जाए।
चलो बेटा जल्दी से आ जाओ बेटा। फाइल बेटा ओपन कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। बायोटेक की फाइल ही मैं ओपन कर रहा हूँ। टेस्ट हो गया ना? हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था बेटा। 10 मिनट इसीलिए मैं लेट आया क्योंकि आप लोगों का सेट मैंने कहा था ना, वो मैंने करवा दिया है। कई लोग बच्चे यहाँ पर जब आपस में मैसेजिंग कर रहे थे ना, तो उसी समय सेट कंप्लीट हो गया और 100 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करा दिए हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन प्लांट फिजियो के थे बेटा। सेट नंबर 6 था ये, है ना? और भी 2-3 सेट आज मैं करवा दूंगा और 5-6 सेट कल करवा दूंगा, ठीक है? और कल तो आप पूरा रिविजन करने ही वाले हैं, है ना? तो मैंने कहा था बेटा टेस्ट दे लो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर बातें करने में बिजी थे ज्यादातर बच्चे। चलिए तो बायोटेक यूनिट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 7:30। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं बेटा, और 2 साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया, हर्बर्ट बोयर के बारे में और कोहेन के बारे में। तो इनके लिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये पहले मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है? 1969 तक अगर हम बोयर की बात करें बेटा, तो बोयर 1969 तक बोयर ने एक कपल ऑफ, मतलब 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर रिसर्च किया जो इकोलाई बैक्टीरिया से निकाले गए थे। और बोयर ने पता लगाया कि ये एंजाइम डीएनए को कट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये हर्बर्ट बोयर दिखाए गए हैं। दूसरे साइंटिस्ट हैं कोहेन, स्टेनले कोहेन की अगर बात, इनके लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। कोहेन ने क्या किया था, कोहेन ने प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड, कोहेन हैव डेवलप्ड ए मेथड ऑफ रिमूविंग दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड देन री इंसर्टिंग देम इन अदर सेल। और इन्हीं दोनों ने 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनाया था। तो चलिए पहला चैप्टर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। क्या क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहली चीज बायोटेक्नोलॉजी में हम उन टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिनमें
लिविंग ऑर्गेनिज्म का या एंजाइम का ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे मेकिंग कर्ड ब्रेड और वाइन, है ना, ये बायोटेक का हिस्सा है, ये माइक्रोमीडिएटेड प्रोसेस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी बायोटेक का हिस्सा, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, ऑल आर द पार्ट ऑफ द बायोटेक। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी के द्वारा एक नई डेफिनेशन दी गई है बेटा, और इस डेफिनेशन को याद करना, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक की बात करें तो दो कोर टेक्निक हैं जिनकी वजह से मॉडर्न बायोटेक का जन्म। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करते हैं डीएनए और आरएनए में, और दूसरा बायो प्रोस्पेक्टिंग इंजीनियरिंग। अगर आपके एनसीईआरटी पुरानी तो उसमें बायो प्रोस्पेक्टिंग इंजीनियरिंग नहीं दिया गया होगा। इसमें क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज। क्रोमोसोम या डीएनए में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई कहते हैं, और ये रेप्लिकेशन की शुरुआत कराता है। पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अगर हम बात करें तो ये 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा बनाया गया था, और इसमें प्लाज्मिड यूज किया गया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। प्लाज्मिड क्या, ऑटोनॉमसली मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिकुलर सीजर का नाम दिया जाता है, है ना, और इन्होंने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था बेटा, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के बाद उससे इंट्रोड्यूस किया था ई कोलाई के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ई कोलाई, है ना, देख लीजिए। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड, कौन सा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर्ड टू ए बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, इट कुड रेप्लीकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। इसी को हम क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना तो तीन स्टेप होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। अब बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पांच तरह के टूल जरूरत पड़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर और होस्ट की जरूरत होती है। तो पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें। सन 1963 में दो एंजाइम आइसोलेट किए गए जो बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे। ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे। इनमें से जो पहला वाला था मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था, और इसे मिथाइलेज कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा नहीं, आप जान लीजिए। पहला वाला जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था उसे मिथाइलेज कहते हैं, और दूसरा वाला जो डीएनए को कट करता है उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया गया। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंडी टू पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक सिक्वेंस को कट करते हैं जो 6 बेस पेयर का बना होता है, जिसे रिकॉग्निशन सिक्वेंस कहा जाता है। अभी तक अगर हम बात करें तो हिंडी टू के अलावा 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाले जा चुके हैं। नेमिंग की अगर हम बात करें तो एंजाइम के नाम का पहला लेटर आता है जीनस के नाम से, अगले दो लेटर आते हैं स्पीसीज के नाम से, और जैसे इको आर1 एंजाइम की बात करें तो इको आर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम इसर्जिया कोलाई RY13 से आया है, जहां पर लेटर अगर आर की बात करें तो आर लेटर कहां से आया, नेम ऑफ द स्ट्रेन, और जो रोमन नंबर है 1 ये इंडिकेट करता है ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इस एंजाइम को उस बैक्टीरिया से निकाला गया। तो पहला लेटर जीनस से, अगले दो लेटर स्पीसीज से, उसके बाद जो चौथा लेटर आता है वो स्ट्रेन से आता है, और जो रोमन नंबर होता है वो सीक्वेंस ऑफ या ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन के बारे में बताता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियेजेस से बिलोंग करते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज न्यूक्लियोटाइड को एंड से रिमूव करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेज डीएनए में स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को कट करने का काम करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है,
और स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानने के बाद सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करता है। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक नेचर का होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब ये होता है, जैसे इको आर1 की बात करें तो इको आर1 के लिए जो पैलिंड्रोम होता है या रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GAATC5'2-3' डायरेक्शन, और जो इको आर1 होता है कट करता है जी और ए के बीच में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जी और ए के बीच में कटिंग करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर वेक्टर और सोर्स डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अगर सेम एंजाइम से कट करेंगे तब सेम टाइप के स्टिकेन बनेंगे और तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो सेपरेशन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एनोड की तरफ मूव करते हैं। एनोड पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर एक मीडियम का यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और जो मीडियम है ये एग्रोज है जो कि नेचुरल पॉलीमर है जिससे सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं अपने साइज के आधार पे सीविंग इफेक्ट के द्वारा जो एग्रोज जेल प्रोवाइड करता है। स्मॉलर जितना फ्रेगमेंट का साइज होगा उतनी ही दूर तक वो मूव करेगा। जैसे यहाँ पर आपको लार्जेस्ट जो बैंड दिखाई गई वेल के पास दिखाई गई। जो डीएनए को हम प्लेस करते हैं, डीएनए को वेल के अंदर रखते हैं किधर की तरफ, कैथोड, इधर कैथोड होता है वेल की तरफ और इधर एनोड होता है दूसरी तरफ। तो ये डीएनए एनोड की तरफ मूव करते हैं, इनको वेल के अंदर भर दिया जाता है। और जो ए लेन आपको दिखाई गई, ए वाली जो लेन वन लेन दिखाई गई है, इसमें लिखा है कि वन लेन में अनडाइजेस्टेड डीएनए आपको दिखाई गया, इसलिए उसमें कोई भी मूवमेंट आपको नहीं दिखाया गया। बाकी जो 2, 3 और 4 लेन उनमें डाइजेस्टेड डीएनए और उनमें मूवमेंट दिखाया गया। लार्जेस्ट डीएनए कैथोड की तरफ है और स्मॉलेस्ट किधर है, एनोड की तरफ है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जब डीएनए फ्रेगमेंट अलग हो जाते हैं तो इनको केवल हम स्टेनिंग के बाद ही देख सकते हैं। स्टेनिंग किसके द्वारा, इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा करते हैं, और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डालेंगे। आप प्योर डीएनए को बिना स्टेनिंग के और विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हैं। जब आप इनको स्टेनिंग करने के बाद देखेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको नजर आएंगे डीएनए के, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप इसको स्टेन करेंगे और फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखेंगे, और इन डीएनए के बैंड को आप एग्रोज जेल से कट करके निकाल लेंगे, जिस प्रोसेस को इल्यूजन का नाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर का काम प्लाज्मिड कर सकता है या फिर बैक्टीरियोफेज कर सकता है। प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज वेक्टर का काम कर सकते हैं। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड में एक या दो कॉपी नंबर होते हैं एक सेल के अंदर, या 15 से 100 कॉपी हो सकती है या फिर और ज्यादा नंबर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में, बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर काफी ज्यादा होता है। तो अब वेक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए आप जान लीजिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोलिंग, ये रेप्लिकेशन की शुरुआत कराता है और कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। सेलेक्टेबल मार्कर, ओराई के अलावा वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर पाए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को और ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ करा पाए। क्लियर। तो नॉर्मली जो जीन होते हैं वो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोरोफेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कानामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, ये सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं ई कोलाई के लिए। नॉर्मल ई कोलाई में इनके प्रति रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता है। तीसरा है क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट की अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पर आपको PBR322 क्लोनिंग वेक्टर दिखाया गया है, और जो PBR322 क्लोनिंग वेक्टर इसमें 8 रिकॉग्निशन साइट है, PVU2, PST1, PVU1, ECOR1, CLAV1, HINDI3, BAMH1 और SAL1, 8 रिकॉग्निशन साइट है, जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जिन पर 2 साइट है PST1 और PVU1, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जिन पर 2 साइट है BAMH1 और SAL1। रो पे एक साइट है PVU2, और ओराई पे कोई भी साइट यहाँ पर मौजूद नहीं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और रोप क्या करता है, रोप कोड करता है उस प्रोटीन के लिए जो
रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व होती है। ये लाइन केवल एनसीईआरटी ने फिगर में लिखी और कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, है ना, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अगर हम बाम H1 साइट पर एक रिकॉम्बिनेंट एक बाम H1 साइट पर अगर हम ऐड करते हैं किसी प्लाज्मिड को, है ना, तो बाम H1 साइट पर अगर हम किसी भी डीएनए को डिजायर्ड डीएनए एलियन डीएनए को ऐड करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। और उस केस में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा टेट्रासाइक्लिन की मीडियम में ग्रो करेगा, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो टेट्रासाइक्लिन की मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। यानी रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों मीडियम में सर्वाइव करेंगे। डिटेल बायोटेक मैंने पूरा पूरा यूनिट आपको पढ़ा दिया, तो डिटेल वहां पता चलेगी, यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करती है और दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होती है वो रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर का भी यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाले जीन की हम बात करते हैं और यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपको ध्यान रखना है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के इनएक्टिवेशन होने की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं वो कलरलेस होती हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं वो ब्लू कलर देती हैं, ना ब्लू कलर कौन देता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, और कलरलेस कौन सी होती हैं, रिकॉम्बिनेंट। बस एक बात ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कलरलेस होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो आप ध्यान दीजिएगा एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये पैथोजन है डाइकॉट प्लांट में और ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है और इसके पास टीडीएनए टीआई प्लाज्मिड इसके पास पाया जाता है और ये प्लांट के लिए वेक्टर का काम करता है। प्लांट में वेक्टर का काम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एनिमल में रेट्रोवायरस जो होता है ये काम करता है किसके लिए, वेक्टर की तरह काम करता है। तो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इसको डिसआर्म कर दिया गया और क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे विकसित किया गया है और रेट्रोवायरस को एनिमल के केस में दो बातें यहां पर जरूर ध्यान रखेंगे, टीआई प्लाज्मिड की वजह से ये ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट में और जो रेट्रोवायरस होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं एनिमल सेल में। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। कॉम्पिटेंट होस्ट डीएनए की बात करें तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इसलिए सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता है और इसलिए सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई बैक्टीरियल सेल है तो उसको हम डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं जैसे कैल्शियम आयन, जिसकी वजह से सेल की इफिशंसी बढ़ जाती है और डीएनए बैक्टीरिया के सेल वॉल से एंटर करके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पहुंच जाता है। अब इस सेल को हम प्लेस करते हैं आइस के ऊपर और उसके बाद हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पर और फिर आइस पर रखते हैं और इसके द्वारा बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर माइक्रो इंजेक्शन की बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस किया। तो माइक्रो इंजेक्शन का तरीका एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए बायोलिस्टिक या जीन गन का यूज किया जाता है जहां पर गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिसआर्म पैथोजन वेक्टर का यूज करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों केसेस में, प्लांट में जैसा मैंने बताया एग्रोबैक्टीरियम का और एनिमल में रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेसेस की अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तीसरा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, चौथा लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन, पांचवा स्टेप है ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट, छठा स्टेप है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द मीडियम एट लार्ज स्केल और सातवां स्टेप है फाइनल एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। पहले स्टेप से शुरू करते हैं आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए अगर हम बात करें तो डीएनए आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम उस और अगर आप बैक्टीरिया से निकालें तो सेल वॉल को भी तोड़ना पड़ेगा, तो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करेंगे, प्लांट की सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलेज का यूज करेंगे और फंजाई की सेल वॉल के लिए काइटिनेज एंजाइम का यूज करेंगे।
अब आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियस का यूज करेंगे, है ना, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेंगे, लेकिन डीएनए का यूज मत करना क्योंकि डीएनए को ही हमें आइसोलेट करना है। अब जो प्यूरिफाइड डीएनए है इसको हम प्रेसिपिटेट कराते हैं एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, और चिल्ड इथेनॉल में प्रेसिपिटेट कराने से हमें जो डीएनए है ये पतले पतले धागों के रूप में मिल जाता है। अब एक कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो कटिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कटिंग करने का काम करता है। और एक पॉइंट और खास है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बाकी चीजें मैंने बता दी, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करता है ना, तो ये सारी बातें मैंने पहले ही बता दी। अब बात करते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जहां पर हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए तैयार कर सकते हैं लैब के अंदर टू सेट ऑफ प्राइमर का यूज करके। टू सेट ऑफ प्राइमर, प्राइमर क्या है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के रीजन के, और यहाँ पर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। स्टेप की बात करें तो तीन स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज जो कि यहाँ पर टैग पॉलीमरेज होता है, टैग पॉलीमरेज को एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच यूज करते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमर की अगर हम बात करें तो प्राइमर को 3' एंड पे लगाते हैं और ये 5' साइट प्रोवाइड करते हैं, ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अब अगर हम डीएनए का रेप्लिकेशन 30 times कराते हैं, अगर 30 times ये देखिए 30 cycles अगर हम कराएं तो 1 billion कॉपीज बन जाएंगी। 1 billion का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 billion का मतलब होता है 1 अरब यानी 100 crore कॉपीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 billion कॉपीज आर मेड। अब यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं थर्मोस्टेबल होता है और ये एक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिका से ऑब्टेन किया जाता है, और ये हाई टेम्परेचर इंड्यूस डिनेचुरेशन में भी आसानी से काम कर सकता है। अब बात करते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिन, तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं कि कौन कौन से जीन गन, बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन, ये सारी टेक्निक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तो अब यहाँ पर अगर कोई प्रोटीन इनकोडिंग जीन है जिसे हम दूसरी स्पीसीज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हेटरोलॉगस होस्ट कहते हैं, इस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का नाम दिया जाता है। लार को बनाने के लिए बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है और बायोरिएक्टर का वॉल्यूम 100 to 1000 liters हो सकता है, 100 to 1000 liters हो सकता है। बायोरिएक्टर की बात करें तो ये ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट और विटामिन। सबसे कॉमनली उस बायोरिएक्टर स्टीरिंग टाइप के होते हैं जो कि दो तरह के हैं, सिंपल एक आपको दिखा है सिंपल स्टीर टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा जो फिगर है ये स्पास टैंक का बायोरिएक्टर जहां पर एयर को बबल के फॉर्म में भेजा जाता है और बबल की वजह से जो सरफेस एरिया है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। स्टीर टैंक बायोरिएक्टर जो होते हैं इनका कर्व जो बेस होता है कर्व या सिलेंड्रिकल होता है ताकि आसानी से रिएक्टर कंटेंट आपस में मिक्स हो जाए, और जो स्टिरर होता है वो मिक्सिंग करता है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरे बायोरिएक्टर में मेंटेन करता है। स्पास टाइप के बायोरिएक्टर में एयर को बबल के फॉर्म में रिएक्टर के अंदर भेजा जाता है। रिएक्टर में एक एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पोर्ट होते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम समय समय पर निकाला जाता है। लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोसिंथेटिक फेज यानी जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसको बनाने के बाद मार्केटिंग करने से पहले हमें कुछ और प्रोसेस करने पड़ते हैं जिनमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है जिसे मिला के डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, और फिर प्रोडक्ट को हम प्रिजर्वेटिव के साथ मिला के सुरक्षित करते हैं। और अगर हमने कोई दवाई बनाई तो क्लिनिकल ट्रायल भी करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हर प्रोडक्ट के लिए जरूरी होता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। कितना टाइम लगा, 7:30 पे हमने शुरू किया था और 7:50 यानी 20 minutes में हमने चैप्टर को फिनिश कर लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 critical रिसर्च एरिया का पार्ट है। क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बायोटेक के, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोबा प्योर एंजाइम, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग टू फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं कि बायोटेक के जो मेन एप्लीकेशन है वो है फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर और हेल्थ यानी मेडिसिन के क्षेत्र में।
तो पहला टॉपिक बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो अगर हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फसल की पैदावार 3 गुना बढ़ गई, और जो पैदावार बढ़ी थी उसका मुख्य कारण क्या था? मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ द एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से फसल की पैदावार बढ़ी थी। तो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल जिनके जीन में कोई बदलाव किया जाता है उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या GMO कहा जाता है। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसमें फायदा पहुंचाते हैं? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंट बनाते हैं। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हमें पेस्टिसाइड की छिड़काव नहीं करना पड़ता। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे BT कॉटन हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस होता है। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटेक के एप्लीकेशन की एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो बायोटेक का एप्लीकेशन उसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है BT कॉटन के बारे में। तो BT टॉक्सिन एक प्रोटीन है जो कि बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, शॉर्ट में इसको BT कहा जाता है। और एग्जाम में पूछा कि BT का मतलब क्या है, तो BT मतलब बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, BT का मतलब बैसिलस थुरिंजेंसिस है। अब इस BT टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया से क्लोन करके निकाला गया और इसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और इस तरीके से BT कॉटन, BT कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटेटो और सोयाबीन का फॉर्मेशन किया गया। तो हम BT कॉटन की बात करेंगे। बैसिलस थुरिंजेंसिस की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्ट को किल कर सकता है। कौन से इंसेक्ट? जैसे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में टोबैको, बडवर्म और आर्मी वर्म आता है, सीरोप्टेरा में बीटल आता है, डिप्टेरा में फ्लाइज और मॉस्किटो आता है। इन्हें BT टॉक्सिन के द्वारा किल किया जा सकता है। बैसिलस थुरिंजेंसिस ऐसे प्रोटीन क्रिस्टल बनाती है जो कि इंसेक्टिसाइडल होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया व्हाई डस टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस, बैक्टीरिया की खुद की डेथ क्यों नहीं होती? क्योंकि BT टॉक्सिन प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। जब इंसेक्ट इन्हें निगलता है इनएक्टिव टॉक्सिन को तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कलाइन pH ऑफ द गट और क्रिस्टल घुल जाते हैं। अब जो एक्टिव टॉक्सिन होता है ये मिडगट एपिथीलियल सेल से बाइंड करता है इंसेक्ट के और पोर और स्वेलिंग कॉज कर देता है और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है और बिना किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के फसल सुरक्षित हो जाती है। अब इस BT टॉक्सिन जीन को आइसोलेट किया गया बैसिलस थुरिंजेंसिस से और इन्हें क्रॉप प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जैसे कॉटन के अंदर। अब जीन का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर, क्रॉप के ऊपर और पेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादातर BT टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। इस टॉक्सिन को कोड किया था जीन CRY1AC जिसे CRY कहा जाता है। अब जैसे अगर CRY1AC और CRY2AB जीन की बात करें तो ये जीन कंट्रोल करते हैं बॉलवर्म को बहुत खास है, और CRY1AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरली याद नहीं रहता है। तो यहाँ कॉटन बॉल आपको दिखाई गई, ये कॉटन बॉल वो दिखाई गई जो कॉटन बॉलवर्म के द्वारा खराब हो चुकी और ये फुल्ली मैच्योर आपको यहाँ पर दिखाई गई। अब बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में टोबैको के बारे में। टोबैको प्लांट की जो रूट होती है इसमें मिलोटिक एंड इनकॉग्निशिया नाम का एक निमेटोड होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पैदावार में कमी हो जाती है। तो इससे बचने का एक नया तरीका ढूंढा गया जिसे RNA इंटरफेरेंस या मैसेंजर RNA साइलेंसिंग कहा जाता है। RNA इंटरफेरेंस का तरीका सभी यूकेरियोट में पाया जाता है सेलुलर डिफेंस के लिए, और इस मेथड में mRNA की साइलेंसिंग करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल के द्वारा, इसलिए इसे mRNA साइलेंसिंग का नाम दिया जाता है। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA का जो सोर्स होता है ये कोई भी वायरस हो सकता है जिसमें RNA जीनोम हो या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिन्हें ट्रांसपोजॉन कहा था, बारबरा मैकलिनटॉक ने खोज किया था। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट यानी टोबैको में इंट्रोड्यूस किया जाता है। DNA को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये सेंस और एंटी सेंस RNA होस्ट सेल के अंदर प्रोड्यूस करे। दोनों RNA चूंकि दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इसलिए डबल स्टैंडर्ड RNA बनाएंगे, और डबल स्टैंडर्ड RNA बनती है RNA इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा और इस तरीके से जो नेमेटोड है उसके लिए जरूरी प्रोटीन नहीं बन पाएगी और इस तरीके से प्लांट नेमेटोड के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा लेगा। ये आपको दिखाया गया होस्ट प्लांट किस तरीके से अपना बचाव करता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करते हैं, हम मेडिसिन के फील्ड में हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हम देखें तो
टोटल 30 रिकॉम्बिनेंट दवाइयां बनाई गई हैं पूरी दुनिया भर में ह्यूमन यूज के लिए यूज की जा रही है। इंडिया में इस समय 12 की मार्किंग, दुनिया भर में 30 और इंडिया में 12 ऐसी रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है जिनका यूज किया जा रहा है। तो एक हमें पढ़ना है इंसुलिन के बारे में। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज जो होता है, वयस्कों में होने वाली जो डायबिटीज होता है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन का इंजेक्शन रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद दिया जाता है। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है बेटा, इंसुलिन को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग, लेकिन इंसुलिन से जो एनिमल से निकाली जाती थी वो कुछ पेशेंट में एलर्जी डेवलप कर देती थी, है ना। और अब ये इंसुलिन बनती कैसे, इंसुलिन में दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ए और बी, जो कि लिंक होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, जैसे आपको दिखाया गया ए चेन और बी चेन, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। मैमल में और ह्यूमन में जो इंसुलिन की सिंथेसिस होती है वो प्रो हार्मोन के रूप में होती है, और प्रो एंजाइम की तरह प्रो हार्मोन को प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है फुल्ली मैच्योर और फंक्शनल होने के लिए। तो जब प्रो इंसुलिन की अगर आप बात करोगे तो प्रो इंसुलिन में तीन चेन होती है, ए बी और सी चेन होती है। तो इसमें एक्स्ट्रा चेन होती है सी पेप्टाइड, और सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती और इसे मैच्योरेशन के दौरान रिमूव कर दिया जाता है। एली लिली कंपनी 1983 में, एली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, इसने डीएनए के दो सीक्वेंस तैयार किए चेन ए और चेन बी ह्यूमन इंसुलिन के लिए, और इसे ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और दो अलग अलग चेन बनाई, चेन और बी अलग अलग प्रोड्यूस की गई और फिर इन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ के ह्यूमन इंसुलिन बना दी गई। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम जेनेटिक डिफेक्ट को सही कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज को सही करने के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जा सकता है। जीन थेरेपी में हम करते क्या है, जीन थेरेपी में हम नॉन फंक्शनल जीन की जगह पर नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन फंक्शनल जीन की जगह पर। जैसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी बहुत खास है 1990 में की गई 4-year-old गर्ल, जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी और इससे जो बीमारी हुई बच्ची में उसका नाम स्किड होता, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। द स्काई पिंक जो मूवी आई थी वो इसी बीमारी पर आधारित थी। ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। इस बीमारी का कारण है डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। अब ट्रीट कैसे करते हैं, कुछ बच्चों में एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, कुछ में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करते हैं जहां पर फंक्शनल एडीए देते हैं बच्चे को इंजेक्शन के द्वारा। लेकिन दोनों ही तरीकों में दिक्कत ये है कि ये बीमारियां, ये दोनों ही तरीके पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है। अब अगर हम जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट निकाली जाती है और उन्हें कल्चर किया जाता है बॉडी के बाहर, फिर फंक्शनल एडीएस सी डीएनए को रेट्रोवायरस का यूज करके इंट्रोड्यूस किया जाता है लिम्फोसाइट के अंदर, और फिर लिम्फोसाइट को वापस पेशेंट की बॉडी में भेज देते हैं। लेकिन चूंकि लिम्फोसाइट अमर नहीं है, पेशेंट को समय समय पर ये लिम्फोसाइट जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो फिर ये तीनों तरीके, मतलब जो आपको बताया गया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट, ये तीनों ही तरीके टेम्पोरेरी या परमानेंट मेथड क्या है। हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इंट्रोड्यूस इनटू द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी ए परमानेंट क्योर। तो परमानेंट क्योर कैसे करेंगे, जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये परमानेंट क्योर हो सकता है। अब बात करते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल मेथड में सीरम और यूरिन एनालिसिस आते हैं, इनसे हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम तीन तरीके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एलाइजा का यूज करते हैं। ये अर्ली डायग्नोसिस में मदद करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पीसीआर, तो ये रूटीन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट में, इसको म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में, और ये पावरफुल टेक्निक है पीसीआर, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर कोई सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल है जिसके साथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को टैग कर दिया गया है तो उसे प्रोब का नाम दिया जाता है, एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, और एलाइजा आप जानते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एड्स के लिए। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में।
ऐसे एनिमल जिनमें हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाता है। ट्रांसजेनिक रेट रैबिट पिग सीप काउ फिश ये सब प्रोड्यूस किए गए, लेकिन 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल माइस हैं। तो इनका यूज क्या है, है ना, इनको किस लिए यूज करते हैं? तो पहला नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए। इसमें आपको बस एक चीज याद करनी है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्विंग ग्रोथ लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, बस इतनी बात। स्टडी ऑफ डिजीज, इनमें हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने कुछ मॉडल बनाया, ट्रांसजेनिक मॉडल हमने बनाया। ट्रांसजेनिक मॉडल किसके लिए, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर। कार कोड मैंने इसके लिए आपको बताया था, कार कार ऐसे लिखोगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, अल्जाइमर और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में तो कई सारे नाम है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे सबसे पहले तो इम्फाइसिमा पे आ जाओ। इम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट के लिए अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं ना, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, और ऐसी ही कोशिशें फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए हम कुछ ह्यूमन प्रोटीन बना रहे हैं। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक का रोजी बनाई गई, जिसमें ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर है, और इस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में। वैक्सीन सेफ्टी में आपको याद करना है कि जो ट्रांसजेनिक माइस है इसमें पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट किया गया था। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को ट्रांसजेनिक माइस में टेस्ट किया गया था। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग कुछ अलग नहीं है, वैक्सीन सेफ्टी की तरह ही है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज द इथिकल इश्यूज। तो इथिकल इश्यूज में हम क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, लगभग हर साल पूछा जाता है, और ये डिसीजन लेता है किसके रिगार्डिंग, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं राइस के बारे में। राइस की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसकी 2 लाख वेराइटी राइस की अकेले। बासमती राइस अपने स्वाद और सुगंध के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी इंडिया में बासमती की बोई जा रही है। और सन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा बासमती राइस के पेटेंट हासिल कर लिए गए यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से, और इसकी वजह से उस कंपनी को अधिकार मिल गया उस बासमती को यूएस यानी अमेरिका में और विदेशों में बेचने का। और ये नई वेरायटी एक्चुअली कैसे डेवलप की गई थी, इंडियन फार्मर वेराइटी से डेवलप की गई थी। इंडियन बासमती का क्रॉस सेमीडोर वेराइटी से कराया गया और कहा गया ये देखो हमने एक चमत्कार कर दिया, हमने एक इन्वेंशन कर दिया है, बात पता चला इसने तो चोरी कर ली थी, है ना। और फिर उस कंपनी के ऊपर केस किया गया इंडिया की तरफ से, और भी कोशिशें की गई, टर्मरिक और नीम के लिए भी ऐसी पेटेंट कराने की कोशिश की गई है जिसका हमारे देश के द्वारा अपोज किया गया। इसी को हम बायो पायरेसी कहते हैं। बायो पायरेसी की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, बिना पैसा दिए हुए, बिना परमिशन लिए दूसरे के रिसोर्सेज को बेचना, उससे मुनाफा कमाना, बायो पायरेसी कहलाता है। और ये आपसे हर साल अब नीट में पूछा जाता है। तो अब बायो पायरेसी से बचने के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में इंडियन पेटेंट बिल, इंडियन पार्लियामेंट ने भारतीय संसद में हाल ही में क्लियर किया गया सेकंड अमेंडमेंट इन इंडियन पेटेंट बिल आईपीबी में सेकंड अमेंडमेंट किया गया है, जहां पर इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखा गया, साथ ही साथ इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और ये आपकी 10 की 10 यूनिट कंप्लीट हो गई। कितना टाइम लगा पहले तो ये बताओ मुझे, कितने बजे हमने स्टार्ट किया था इसको, 8:05 हो रहा है अभी, है ना, 7:50 पे हमने शुरू किया था और 8:05 पे हमने खत्म कर लिया। 15 मिनट में आपका चैप्टर हो गया खलास, 35 मिनट में पूरी की पूरी यूनिट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सेट नहीं दिया है वो जाके सेट दें, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उनको मिल जाएंगे, 10-10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन आपका रिवाइज होता चला जाएगा। ओके बच्चों, तो बाकी हम मिलते हैं कल, ठीक है, बाकी हम मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक फाइनल क्लास के साथ, ठीक। कल सुबह 7 बजे हम लोग मिलते हैं, उसका सेशन बना दिया गया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा उस सेशन, है ना। तो ये फाइनल रिवीजन है 2020 के लिए और आखिरी क्लास भी है, 10 घंटे का टाइम है अभी, है ना,
10 घंटे 11 घंटे का टाइम है फिलहाल अभी। टन टनाटन टन टन तारा पढ़ लो तुम सब 7 से 12। तो ये क्लास होगी कल, रिमाइंडर सेट कर लो, है ना, 10 घंटे के बाद आपकी क्लास होने वाली है। और मैं कोशिश करूंगा ड्रेस कोड और इन सारी चीजों पे एक गाइडलाइन का वीडियो मैं बना के आपको दे दूं। ओके बच्चों, तो कल सुबह सात बजे, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, कोई पैसा तो लगे। बाकी हम लोग मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, सब लोग आ जाना, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार घर बाहर सबको बुला लेना, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है और आखिरी रिवीजन है 2020 के लिए, है ना। अब इसके बाद 2020 के लिए कोई क्लास नहीं होनी, फिर 2020 का पेपर हम डिस्कस करेंगे 13 तारीख को पेपर का डिस्कशन हम करेंगे, क्या हमने पढ़ा, क्या आया, क्या एनसीईआरटी के बाहर से आया, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया नहीं किया, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास बहुत जरूरी है, ठीक है। ड्रेस कोड की हम बात करेंगे अभी, तो ठीक है बच्चों, पीडीएफ अभी मिल जाएगी आपको, ठीक है। पीडीएफ अभी तुरंत आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, कल सुबह मिलते हैं।